हाँ जी, वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और पहली चीज, जब ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं तो बोलना चाहता हूँ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एट द सेम टाइम। और पूरे कंपनी लॉ का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर भी यही है, बड़ा भी है और इंटरेस्टिंग भी है। और एज पर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मैं हमेशा से शुरू से बोलता रहा हूँ, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कहता है कंपनी लॉ में टोटल कितने सेक्शन है, 470 सेक्शंस आर डिवाइडेड इन हाउ मेनी चैप्टर्स, आर डिवाइडेड इन 29 चैप्टर्स एंड 7 शेड्यूल्स। यहां जो पढ़ने वाले हैं चैप्टर 11, चैप्टर 12 और चैप्टर 13। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने, लोकसभा राज्यसभा ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और फिर उसको सेक्शन वाइज वो बाइफर्केशन आपके सामने दिया गया है। चैप्टर 11 में सेक्शन 149 टू 172, देन चैप्टर 12 में 173 टू 195। और देखा जाए तो रफली कितने सेक्शंस होते जा रहे हैं, 149 टू 172 मतलब हाउ मेनी सेक्शंस, नियर अबाउट 23 सेक्शंस, 23-24 सेक्शंस। ऐसे ही 173 टू 195, तो वंस अगेन 22-23 सेक्शंस आर हियर, एंड देन 196 टू 205 नियर अबाउट 10 सेक्शंस आर हियर। तो करते करते आप मान लीजिए दैट इज 56 सेक्शंस। सेक्शन वाइज भी बात करें तो सबसे बड़ा चैप्टर है, इतने सेक्शंस किसी और चैप्टर में नहीं है जितने इस चैप्टर में है। तो टोटल 56 सेक्शंस वी आर गोइंग टू हैंडल। और साथ में रूल्स भी हैं, चैप्टर 11 के रूल्स का नाम अलग है, चैप्टर 12 में रूल्स का नाम अलग है, चैप्टर 13 में रूल्स का नाम अलग है। और चैप्टर 11 में बोलते हैं रूल्स का नाम क्या है, कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014। और ये डायरेक्टर्स के DIR से फॉर्म सीरीज बना ली, फॉर्म सीरीज DIR सीरीज, एंड देन कंपनीज मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर रूल्स 2014 में से MBP सीरीज कैसे बनाई होगी, मीटिंग्स का M, बोर्ड का B और पावर्स का P, तो MBP सीरीज बना ली, फॉर्म सीरीज MBP 1, MBP 2। देन 196 टू 205 में डीलिंग विद द अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ मैनेजीरियल पर्सनल, एंड दैट इज फॉर्म सीरीज MR, वो कहां से बनाया होगा, मैनेजीरियल का M और रेमुनरेशन का R। तो वैसे उल्टा कर दिया उसको, RM सीरीज बनाते या तो, या P साथ में लगा लेते तो RMP सीरीज बन जाती, बट खैर एनी हाउस हम उस सब में नहीं जाएंगे ज्यादा डिटेल में। मैनेजीरियल का M और रेमुनरेशन का R, एंड द फॉर्म सीरीज इज MR सीरीज, MR1, MR2, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म्स। अब एक दो चीजें यहां बताना चाहूंगा, जब ये कंपनीज एक्ट नया नया आया था तब भी और आज 2018 में आज भी कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिनको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। जब नया नया आया था तो इसमें नए नए कॉन्सेप्ट आए थे, सेक्शन 149 में, सेक्शन 149 में सबसेक्शन 1 में वुमेन डायरेक्टर आया कॉन्सेप्ट, सबसेक्शन 3 में रेजिडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट आया, सबसेक्शन 4 टू सबसेक्शन 12, सेक्शन 149 में ही सबसेक्शन 4 टू सबसेक्शन 12 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट आया। तो कुछ नए कॉन्सेप्ट आने शुरू हो गए, वुमेन डायरेक्टर, रेजिडेंट डायरेक्टर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और अभी ये रेजिडेंट डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में अभी अमेंडमेंट हुई है, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 में अमेंडमेंट्स हुई हैं, रेजिडेंट डायरेक्टर में भी और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में भी सम अमेंडमेंट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। यहां 173 टू 195 में बोलूंगा कि 174 अपने आप में एक बहुत टॉप सेक्शन माना जाता है, कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग 174। अब ये वो सेक्शंस हैं जो कॉरपोरेट सेक्टर में बहुत, मतलब जिन्होंने आग लगा दी कि किसी को पता है कि 174 एग्जैक्टली क्या है, और कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग प्राइवेट कंपनी में अलग है, पब्लिक कंपनी में अलग है, कब इंटरेस्टेड डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में बैठा रहता है और डिस्कशन में वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, कब कौन से केस में इंटरेस्टेड डायरेक्टर को बोर्ड मीटिंग से उठकर बाहर जाना पड़ता है, कंपलसरी है, कौन से केसेस में बैठा रहना अलाउड है लेकिन कोरम में काउंट नहीं होगा और वोटिंग में डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो सेक्शन में एकदम 100% क्लैरिटी नहीं मिलती है, फिर सेक्शन को कहीं और लिंक करो, सेक्शन 184 इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स, 188 धूम मचा रखी है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरीज ऑल ओवर इंडिया एक्चुअली विश करते हैं काश 188 ना होता, जिंदगी आसान होती। 188 इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड सेक्शंस। देन आई विल से इन तीनों को जोड़कर पढ़ा जाता है और फिर इन तीनों की इंटरप्रिटेशन साथ में इनके जो रूल्स हैं रूल 15 वगैरह उनको साथ में जोड़कर पढ़ा जाता है। तो नहीं, मतलब एक हाई लेवल इंटरप्रिटेशन निकल कर आती है। और एक दो सेक्शंस जो बहुत फेमस हैं इधर, 185 लोन टू डायरेक्टर्स, 186 इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स, गारंटी, सिक्योरिटीज एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शंस, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बोल रहा हूं, प्रोफेशनल लाइफ के लिए,
मतलब जिंदगी में काम आने वाले सेक्शन है, आपको मालूम है कि आए दिन आपकी कंपनी में आपको इन सेक्शंस को डील करना है, और खुद भी समझना है और औरों को समझाना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, चेयरमैन को, एमडी को समझाना है. 196 टू 205 व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ 196 इटसेल्फ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, और इसको तो हम बोलते हैं के एम पी. व्हाट इज दैट के एम पी? की मैनेजरियल पर्सनल. तो यहां 196 में अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, दैट इज देयर. लेकिन जो केएमपी का सेक्शन माना जाता है 203, सेक्शन 203 डील्स विद केएमपी द की मैनेजरियल पर्सन. और फिर रेमुनरेशन का सेक्शन 197 रेड विद शेड्यूल 5, और शेड्यूल 5 में अभी सितंबर में अमेंडमेंट्स हुई हैं. 196, 197, शेड्यूल 5, ये सब कुछ अभी सितंबर 18 में अमेंड हुआ है. तो कब के लिए एप्लीकेबल होगा? सितंबर 2018 में अमेंड हुआ है, तो होपफुली दिसंबर 18 एग्जाम्स के लिए तो एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, बट एप्लीकेबल फॉर जून 19 एग्जाम्स. इधर जितनी भी अमेंडमेंट्स आई थी कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 की वजह से, वो सारी अमेंडमेंट्स 30 जून से पहले आ गई थी, बिफोर 30 जून. कुछ अमेंडमेंट्स फरवरी में, कुछ अप्रैल में, कुछ मई में, कुछ जून में. तो जितनी भी अमेंडमेंट्स आई बिफोर 30 जून 2018 दे आर इक्वली एप्लीकेबल फॉर दिसंबर 18 एग्जाम ऑल्सो, फॉर जून 19 एग्जाम ऑल्सो. यहां जो अमेंडमेंट्स आई हैं ये आई हैं अब सितंबर में, यहां जो अमेंडमेंट्स एनफोर्स हुई हैं वो सितंबर 2018 में अमेंडमेंट्स एनफोर्स हुई हैं. तो यहां आकर आपके बैच में मुझे मतलब डबल पढ़ाना पड़ेगा आपको, मतलब हर सेक्शन में ये बता रहा हूँ ये अब तक है और ये अब हो गया है, ये मतलब दिसंबर 18 के लिए और ये जून 19 के लिए. यहां मेरा काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा और आप लोगों का भी काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा. दिसंबर 18 वाले अपना दिसंबर 18 वाला सुने, और वो जून 19 वाला भी सुनना चाहते हैं वो भी साथ में सुने, क्या पता जरूरत पड़ जाए. वैसे तो जिंदगी में जरूरत पड़ेगी पड़ेगी नो, और जून 19 वाला जो है वाले जो है वो दिसंबर 18 का इसलिए सुने कि अच्छा पहले ये था अब ये हो गया है, अच्छा ये बदल गया है, तो इसलिए सुने. तो इन एनी केस मतलब कुल मिलाकर रेलिवेंट तो रहेगा, सबके लिए रेलिवेंट रहेगा. और मैं तो मानता हूं कि वो लॉ में इसी तरीके से बढ़ा जाता है कि पहले ये था अब ये हो गया, ये बदलाव आ गया है, और उससे क्लैरिटी बढ़ जाती है, उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है. और मैं तो कई जगह पीछे से कनेक्ट करता रहता हूँ, कंपनीज एक्ट 1956 में ये था, अब क्या करूं वो भूलता नहीं हूं जो पढ़ा था, और फिर बताता हूँ कि कंपनीज एक्ट 2013 में ये बदलाव आ गया है. तो पहले सोसाइटी में कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसा होता था, अभी कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसा होता है. तो वो थोड़ा सा लॉजिक समझना आसान हो जाता है कि लॉ मेकर ने चेंज क्या किया है, क्यों किया है, वो समझना आसान हो जाता है. सो ऑन दैट नोट गेटिंग स्टार्टेड, पहली चीज आपको बोलना चाहूंगा, एज पर लॉ मेकर यस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स. मैंने आपकी बुक के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिवाइड कर दिया है इन सेवन पार्ट्स. इस बुक के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज डिवाइडेड इन सेवन पार्ट्स, और जो चैप्टर 11 जिसको बोलते हैं वो तो मैंने एक सिंगल पार्ट में रखा है जो कि काफी बड़ा है, यूनिट 1. मैंने मतलब 7 यूनिट्स में डिवाइड किया है इस बुक को. एंड दैट इज यूनिट 1 जो है, दैट इज क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, ड्यूटीज, वेकेशंस, रेजिग्नेशन, रिमूवल एटसेट्रा, दैट इज देयर. हां जी, नाउ वेल चैप्टर 11, आई रिपीट, चैप्टर 11 दैट इज क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट एंड ड्यूटीज, वेकेशन, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल एटसेट्रा, सेक्शन वाइज यस 149 to 172. तो एक ही यूनिट के अंदर बहुत कुछ पढ़ेंगे, हु इज क्वालिफाइड टू बिकम डायरेक्टर, हु इज नॉट क्वालिफाइड टू बिकम, अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर पढ़ेंगे, अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ड्यूटीज पढ़ेंगे, डायरेक्टर्स की ड्यूटीज क्या होती हैं, ऑफिस वेकेंट कौन कौन से ग्राउंड्स पे होता है, 14 ग्राउंड्स हैं वेकेशन के, द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर कैन बिकम वेकेंट ऑन द 14 ग्राउंड्स, किसी एक ग्राउंड में फंस गया ऑफिस वेकेंट, रिजाइन करके जाना चाहे तो फॉर्म DIR 11, DIR 12 बात करेंगे, ROC को इंटीमेशन चाहिए, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर का प्रोसीजर क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा. डायरेक्टर को डिन नंबर लेना होता है वो भी इसमें आएगा, डिन नंबर भी इसी यूनिट में आ जाएगा. उसके बाद ये जो आपको नजर आ रहा है यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6, आप देखोगे इन सब में ना चैप्टर एक ही चल रहा है. एज पर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ये चैप्टर 12 है. मैंने इसको अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किया क्योंकि एक ही चैप्टर 12 में ना कॉन्सेप्ट्स बड़े सारे हैं और बोर्ड मीटिंग का कॉन्सेप्ट है, तो उसको अलग डील कर रहा हूं, उसके लिए एक अलग यूनिट दे दिया आपको कि बोर्ड मीटिंग्स की यूनिट एक अलग है,
पावर्स ऑफ बोर्ड के लिए अलग है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है जिसको बोलते हैं आरपीटी, उसके लिए एक अलग यूनिट है इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स, लोन्स एंड गारंटीज टू डायरेक्टर्स सेक्शन 185 186 वो अलग है। मैंने पहले भी बोला था कि 184 188 ने आग लगाई हुई है कॉर्पोरेट सेक्टर में, 185 186 ने भी आग लगाई हुई है। तो ये वो सेक्शंस हैं और इन दो यूनिट्स को तो मैं मानता हूँ खतरनाक है, मतलब इनको बोला जाता है डेंजरस है। एक तो होता है इंपॉर्टेंट है, एक है डेंजरस है, मतलब इन सेक्शंस को पढ़ते हो ना अपना लेवल बहुत ऊपर उठाना पड़ता है, आसानी से समझ में आने वाली चीजें हैं नहीं, टाइम भी लगता है और अपना दिमाग का लेवल भी बहुत ऊपर, मतलब दिमाग के ढक्कन खुल जाते हैं, क्या बोलते हैं वो, तोते उड़ जाते हैं, मोर उड़ जाते हैं, बंदर उड़ जाते हैं, सब उड़ जाता है यहाँ पर। और इस वक्त मैं मतलब मैं कोशिश करता हूँ या मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि लोग बीच में ऊल जलूल सवाल ना पूछें, कुछ स्पेशली कुछ लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि बीच में ऊल जलूल सवाल ना पूछें। कॉम्पनसेशन फॉर, क्योंकि चीजें पहले ही कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, फिर बीच में क्या होता है लोग ना अननेसेसरली स्टूपिड क्वेश्चंस पूछ पूछ के कॉम्प्लिकेटेड चीजों को और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। समझदारी वाले क्वेश्चंस पूछे लेकिन स्टूपिडिटी वाले क्वेश्चंस ना पूछे। किन लोगों के लिए बोल रहा हूं नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन समझ गए सब लोग, समझदार को इशारा काफी। देन कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस एंड सम मिसलेनियस पावर्स, सम मिसलेनियस पावर्स आसान है, यूनिट 6 इज कंपैरेटिवली एन इजी वन एंड अ स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट यही है। और फिर लास्ट में वेल आई विल से यूनिट 7 आल्सो इंपॉर्टेंट, दैट इज चैप्टर 13 KMPs and section 196 to 205, और इसी में कंपनी सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट का सेक्शन भी है बीच में। तो हम कंपनी सेक्रेटरी के लिए पढ़ते हैं सेक्शन 204 सेक्रेटेरियल ऑडिट, सेक्रेटेरियल ऑडिटर, और 205 CS in employment। तो 204 CS in practice, 205 CS in employment। तो एक सेक्रेटेरियल ऑडिट है और एक CS in employment की ड्यूटीज हैं, वो सब कुछ दिया गया है। अब जो यहां 100 बातों की एक बात समझाना चाहता हूं, एज पर लॉ चैप्टर 11 है मैंने एक ही यूनिट में दिया है, एज पर लॉ चैप्टर 13 है वो भी मैंने एक ही यूनिट में दिया है, लेकिन एज पर लॉ जो चैप्टर 12 है उसको 5 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है। और अगर आप आईसीएसआई मॉड्यूल से चेक करेंगे तो उन्होंने इस तरीके से डिवाइड नहीं किया होगा, लेकिन उन्होंने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चैप्टर को अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है ऑब्वियसली, मतलब एक सिंगल चैप्टर में नहीं डाला। इसके बाद कहूंगा कुछ चीजें, ये चैप्टर शुरू करने से पहले सबके दिमाग में सेट जरूर होनी चाहिए, इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले, सेक्शन शुरू करने से पहले, और वो ये है कि पूरे कंपनी एक्ट के लिए, सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए नहीं पूरे कंपनी एक्ट के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 5 जून 2015 को नोटिफिकेशन इशू की थी और एग्जम्पशंस ग्रांट की थी, नंबर 1 टू द प्राइवेट कंपनीज, नंबर 2 टू द गवर्नमेंट कंपनीज एंड नंबर 3 टू द सेक्शन 8 कंपनीज एंड ऑल्सो टू द निधि कंपनीज, निधि कंपनीज को भी दी गई थी एग्जम्पशंस। तो प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज, सेक्शन 8 कंपनी मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड देन निधि कंपनीज ऑल्सो। और 13 जून 2017 को एमसी ने एक नोटिफिकेशन और इशू किया टू अमेंड सम ऑफ दीज अफोर मेंशन एग्जम्पशंस, ऊपर दी गई एग्जम्पशंस को चेंज करने के लिए, एग्जम्पशंस को चेंज करने के लिए और उसमें कुछ एडिशनल एग्जम्पशंस और देने के लिए। और साथ में 13 जून 2017 को एमसीए ने कहा कि ये जितनी भी एग्जम्पशंस ऊपर दी गई है ना ये तभी अवेलेबल हो पाएंगी अगर आपकी कंपनी ने सेक्शन 92 और सेक्शन 137 में सारी फाइलिंग्स प्रॉपर तरीके से की होंगी। सेक्शन 92 में फाइलिंग ऑफ एमजीटी 7 एनुअल रिटर्न और सेक्शन 137 में बैलेंस शीट एंड पीनल अकाउंट फॉर्म एओसी 4। जिन कंपनीज ने अपना एमजीटी 7 एनुअल रिटर्न और AOC 4 बैलेंस शीट ठीक से फाइल की होगी उन्हीं को ही एग्जम्पशन मिलेगी, उन्हीं प्राइवेट कंपनीज को, उन्हीं गवर्नमेंट कंपनीज को, उन्हीं सेक्शन 8 कंपनीज को एग्जम्पशन मिलेगी। जिन्होंने अपना अपनी एनुअल रिटर्न, अपनी बैलेंस शीट ठीक से फाइल नहीं की हुई है उनको एग्जम्पशंस नहीं मिलेगी। तो पहले कुछ एग्जम्पशंस आई 5 जून, फिर कुछ एग्जम्पशंस आई 13 जून, और फिर फाइनली बोला कि एग्जम्पशन सब्जेक्ट टू कंडीशन की प्रॉपर फाइलिंग होनी चाहिए। फिर बाद में 4 जनवरी 2017 को एमसी ने 2 एग्जम्पशन नोटिफिकेशन और इशू की और बोला कि इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर में जो प्राइवेट कंपनीज हैं और इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर में जो स्पेसिफाइड पब्लिक कंपनीज हैं उनको भी एग्जम्पशन दी जा रही हैं। इसका थोड़ा सा रेफरेंस तब आया था जब आपने चैप्टर किया था पब्लिक डिपॉजिट, अगर याद हो पब्लिक डिपॉजिट के चैप्टर में इसको बीच में हमने रेफर किया था कि IFSC पब्लिक कंपनीज कैन रेज द डिपॉजिट अप टू 100% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्रीजर्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट्स। तो तब भी आया था और तब बात हो रही थी गिफ्ट गुजरात अहमदाबाद में IFSC हिंदुस्तान का पहला इकलौता
पहला इकलौता आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर इन अहमदाबाद गुजरात. तो वहां जो प्राइवेट कंपनीज हैं, पब्लिक कंपनीज हैं, उनके लिए नोटिफिकेशन है. तो कायदे से अगर आप दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, अगर आप दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं, या आप विल मैं कहूंगा ऑल ओवर इंडिया कहीं भी सेटल हो जाते हैं, बट यू आर नॉट सेटलिंग इन अहमदाबाद गुजरात और यू आर नॉट डीलिंग विद द आईएफएससी सेंटर, तो फिर शायद ये एग्जम्पशंस आपके काम की नहीं होंगी. ये एग्जम्पशंस आपके काम की तभी आएंगी जब आप आईएफएससी में जो कंपनीज हैं उनसे डील करेंगे, देन ओनली दीज विल बी यूजफुल, अदरवाइज नॉट यूजफुल. एनी हाउस मतलब एग्जम्पशंस हैं, हमें पता होनी चाहिए. फिर कुछ मिस्टेक्स ना पॉइंट आउट की गई हैं, वो मेरी आदत है, मैं लॉ मेकर की मिस्टेक्स पॉइंट आउट करता रहता हूँ कि देखो लॉ मेकर भी लॉ में गलतियां करता है, और ये आदत तो उसकी जान ही रही है. मतलब कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 में ये आदत कॉन्टिन्यूड है, अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं, उनमें भी बीच में एरर्स नजर आते हैं, गड़बड़ियां दिखती हैं मुझे. अब वो मैं पॉइंट आउट करता रहता हूं, और यहां मैं अब लिस्ट नहीं पढ़कर सुनाऊंगा, लेकिन हाँ चैप्टर में जब आगे बढ़ेंगे तो जरूर बात करूंगा इनके बारे में. फिर कुछ होमवर्क दे रहा हूं आपको, घर जाकर पढ़ना है. जिन्होंने मेरे साथ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का चैप्टर किया है उनको मालूम है रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, और देन वी टॉक अबाउट द लिटरल इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, पर्पजिव इंटरप्रिटेशन. देन कुछ शब्दों का ध्यान रखना है, एंड का मतलब जोड़कर पढ़ो, और का मतलब तोड़कर पढ़ो, शेल का मतलब मैंडेटरी कंपल्सरी, मे का मतलब ऑप्शनल, चाहे तो करें ना चाहे तो फॉलो ना करें. देन रूल्स ऑफ हारमोनियस इंटरप्रिटेशन, दो सेक्शंस को हार्मोनाइज करके पढ़ो. एक्सप्रेशियो यूनिस एस्ट एक्सक्लूजो ऑल्ट्रियस, लॉ में अगर लॉ मेकर ने कुछ लिखा है और कुछ चीजों को नहीं लिखा है, तो जो लिखी हैं वो हैं, जो नहीं लिखी हैं वो नहीं है. जो नहीं लिखी हैं क्या उनको भी कभी कभी इंक्लूड कर सकते हैं जज को कन्विंस करके. तो कुछ एक बातें हैं, वेल घर जाकर आराम से पढ़िए, टेक इट इज अ होमवर्क. तो बाकी जिन्होंने मेरे साथ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का चैप्टर किया है उनको ज्यादा अच्छे से मालूम है. और वैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स मैंने यूट्यूब पे अपलोड भी किया हुआ, देर आर सिक्स पार्ट्स ऑफ दैट. तो अगर आप बैठकर घर जाकर सुनना चाहते हैं तो वो सुन सकते हैं. विल पुट माई नेम ऑन यूट्यूब अलॉन्ग विद दैट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. तो आपको छह पार्ट्स में पार्ट वन पार्ट टू करके छह पार्ट्स में विल नियर अबाउट 45 मिनट्स ईच पार्ट. तो घर बैठकर अगर ध्यान से सुनना चाहें तो कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं. प्रोवाइजो व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ विल प्रोवाइडेड दैट प्रोवाइडेड फर्दर दैट मालूम है ना सबको, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट. तो लॉ मेकर का तरीका है प्रोवाइजो लिखने का, और मेन प्रोविजन के नीचे प्रोवाइजो क्यों लिखता है लॉ मेकर, ये घर जाकर बहुत अच्छे से रट्टा मार लेना, क्योंकि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के चैप्टर में तो काम आएगा ही आएगा, यहां पर भी पता होना चाहिए. अब मैं रीड आउट नहीं कर रहा हूं, हालांकि एक पुराना थंब रूल चला आता है जो चला आ रहा है कि मेन सेक्शन के नीचे प्रोवाइजो क्यों बनाया जाता है, मेन सेक्शन की एक्सेप्शंस क्रिएट करने के लिए. वो तो एक वेल हमेशा से थंब रूल हम याद कर लेते हैं, लेकिन प्रोवाइजो और काम भी करता है जब लॉ मेकर, और सबको मालूम है फर्स्ट प्रोवाइजो प्रोवाइडेड दैट, सेकंड प्रोवाइजो प्रोवाइडेड फर्दर दैट, थर्ड प्रोवाइजो प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट. And I'm not really reading that. I'm keeping it as a homework for you people. वो घर जाकर एक बार ध्यान से पढ़िएगा प्लीज. मैं चैप्टर के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहूंगा अभी. वेल हाँ कुछ चीजें चैप्टर शुरू करने से पहले और पता होनी चाहिए छोटी छोटी, क्योंकि इस चैप्टर में काम आती हैं आगे. डेलीगेशन ऑफ पावर्स बाय द पार्लियामेंट टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. पार्लियामेंट बोले तो लोकसभा, राज्यसभा, उन्होंने सेक्शन 462 में पावर्स डेलीगेट की हैं. और रादर सेक्शन 462 में तो हम बात कर रहे हैं कि उनके पास पावर है टू ग्रांट द एग्जम्पशन टू एनी क्लास ऑफ कंपनीज. तो सीजी बोले तो वही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास पावर है कि जब चाहें किसी भी पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपनीज को एग्जम्प्ट कर सकते हैं. और अभी हमने बात की ना एग्जम्प्ट किया, कौन सी कंपनीज को एग्जम्प्ट किया, प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज सेक्शन 8 कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज, निधि कंपनीज, आईएफएससी कंपनीज एग्जम्प्ट किया है. तो सेक्शन 462 गिव्स द पावर टू द गवर्नमेंट टू एग्जम्प्ट एनी क्लास ऑफ कंपनीज. और जब भी एग्जम्पशन नोटिफिकेशन आएगा तो फिर उसको लोकसभा राज्यसभा दोनों में प्लेस किया जाएगा ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 30 डेज. एंड देन विल वी से बोथ द हाउसेज एग्री, लोकसभा राज्यसभा एग्री कि हम एग्जम्पशन के लिए मॉडिफिकेशन के लिए एग्री करते हैं, तो वो एग्जम्पशन फाइनल हो जाएगी. तो पहले ड्राफ्ट नोटिफिकेशन बनेगी, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन लोकसभा राज्यसभा में आएगी और वहां स्टैंप लगेगी, फिर उसके बाद फाइनली वो एग्जम्पशन फाइनल हो जाएगी. एमसीए हैज इशूड वेरियस वेल एग्जम्पशंस, तो अभी बात कर ही रहे थे, गवर्नमेंट कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, निधि कंपनीज, सेक्शन 8 कंपनीज एंड आईएफएससी कंपनीज. देन पावर ऑफ गवर्नमेंट टू मेक द रूल्स
आज सारे चैप्टर्स खत्म करने के बाद आज आपको बताने जा रहा हूँ ये रूल्स बनाने की पावर कहां से आई. सेक्शन 469 हमेशा बोलते रहे ना इस चैप्टर में ये रूल होता है, आया कहां से. तो सेक्शन 469 और इस चैप्टर में भी आगे जितने रूल्स पढ़ेंगे वो सारे कहां से आए हैं. 469 पावर ऑफ सीजी टू मेक द रूल्स टू अमेंड द रूल्स. और रूल्स के बारे में खास बात मालूम है क्या है, ड्राफ्ट रूल्स लोकसभा राज्यसभा में नहीं दिए जाते हैं. एक स्पेशल एस्पेक्ट क्या है, रूल्स आर नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया. नोटिफिकेशन का मतलब वही भारत का राजपत्र, नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया. बट एवरी रूल विच इज मेड अंडर दिस सेक्शन एंड एवरी रेगुलेशन मेड बाय सेबी ऑल्सो विल शेल बी लेड बिफोर द लोकसभा राज्यसभा आफ्टर इट इज मेड. यहां पर ड्राफ्ट फॉर्म में नहीं रखते पार्लियामेंट के सामने, पहले रूल बन जाता है, नोटिफाई हो जाता है, उसके बाद लोकसभा राज्यसभा के सामने रखा जाता है. प्रोसेस उल्टा है. एग्जम्पशन नोटिफिकेशन ड्राफ्ट फॉर्म में लोकसभा राज्यसभा में रखी जाती है, वो अप्रूव करते हैं फिर फाइनल होती है. और रूल्स में उल्टा है, मिनिस्ट्री रूल्स बनाकर ऑफिशियल गजट में नोटिफाई कर देती है, नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट आ जाता है, रूल इंप्लीमेंट हो जाता है, उसके बाद आफ्टर दैट लोकसभा राज्यसभा के सामने रख दिया जाता है जब उसमें बजट सेशन या मॉनसून सेशन या विंटर सेशन चल रहा होता है. फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 30 डेज एंड दिस 30 डेज मे बी इन वन सेशन ऑफ पार्लियामेंट और मे बी इन टू सेशन, मे बी इन पार्टली इन वन सेशन पार्टली इन अदर सेशन. 20 डेज इन बजट सेशन, 10 डेज इन मॉनसून सेशन, या 10 डेज इन मॉनसून सेशन, 20 डेज इन विंटर सेशन, व्हाटएवर. एंड देन इफ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेशन, और 30 दिन खत्म होने से पहले अगर दोनों हाउसेज एग्री कर जाते हैं कि हाँ जो काम हुआ है रूल्स में जो भी हुआ है वो सही है, या दोनों हाउसेज अगर रूल्स में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहें तो मॉडिफिकेशन भी करना कर सकते हैं लोकसभा राज्यसभा, और बोथ द हाउसेज एग्री कि हमें ये रूल नलीफाई करना है तो रूल नलीफाई कर सकते हैं. लेकिन ये सब कब एग्री कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन या नलीफाई कब कर रहे हैं, ऑफिशियल गजट में नोटिफाई होने के बाद की बात है. और देन द रूल और द रेगुलेशन शेल देयर आफ्टर हैव द इफेक्ट ओनली इन सच मॉडिफाइड फॉर्म और मे बी नो इफेक्ट. अगर दोनों हाउसेज मिलकर मॉडिफाई करना चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं, दोनों हाउसेज मिलकर नलीफाई करना चाहें तो नलीफाई कर सकते हैं. हाउएवर दैट एनी सच मॉडिफिकेशन और एनुलमेंट, एनुलमेंट मतलब वही नलीफिकेशन जो हुआ है, शेल विदाउट प्रेजुडाइज टू द वैलिडिटी ऑफ एनीथिंग प्रीवियसली डन. ये जो भी मॉडिफिकेशन हुई है रूल्स में या नलीफाई किया है उससे पहले अगर उस रूल के अंडर कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई एक्टिविटी हो चुकी थी तो वैलिड थी, वैलिड है, वैलिड रहेगी, दैट इज देयर. तो 30 दिन के लिए प्लेस कर दिया जाएगा, लेकिन कब, ऑफिशियल गजट में नोटिफाई होने के बाद. एक सेक्शन 470 आज की तारीख में मैं कहूंगा इसकी लाइफ खत्म हो गई है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट था. और सेक्शन 470 क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास पावर है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स न्यू कंपनीज एक्ट आने के बाद इसमें जब जब कोई डिफिकल्टीज आती है इंप्लीमेंटेशन करने में उसको रिमूव करने के लिए रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर इशू करेगी. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास पावर है कि ऑफिशियल गजट में एक ऑर्डर पब्लिश करेंगे टू रिमूव द डिफिकल्टीज, और ये पावर वैलिड रहेगी फॉर 5 years, 5 साल तक ये पावर वैलिड रहेगी फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ सेक्शन 1. जिस दिन सेक्शन 1 कमेंस हुआ वहां से 5 साल. सेक्शन 1 कमेंस हुआ था 30th August 2013, तो ये पावर 5 साल के लिए वैलिड थी अप टू 30th August 2018, और वो चला गया. आज हम सितंबर 2018 में बात कर रहे हैं, तो आज 25 सितंबर को हम बोल सकते हैं कि इस सेक्शन में जो पावर थी वो पावर अब खत्म हो गई है. गेटिंग दैट. तो 30 अगस्त 2013 को सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट एनफोर्स हुआ था, वहां से लेकर 30 अगस्त 2018 तक, या मान लीजिए 29 अगस्त 2018 तक ये पावर थी. और इस पावर का इस्तेमाल करते हुए मिनिस्ट्री ने बहुत बार रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर इशू किए, आरओडी, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस ने कई बार ये सेक्शन 470 के ऊपर कई बार मजाक किया कि ये एक चीज बताओ, मिनिस्ट्री ये ऑर्डर तो इशू कर रही है फॉर रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, लेकिन ये डिफिकल्टीज पैदा किसने की है, ये डिफिकल्टीज क्रिएट किसने की है. सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस इसको क्रिटिसाइज किया करते थे कई बार, ये डिफिकल्टीज पैदा करने वाला कौन है, डिफिकल्टीज मतलब एक्ट को इंप्लीमेंट करने में डिफिकल्टीज हो क्यों रही हैं, क्योंकि एक्ट में जो लिखा है वो उल्टा पुल्टा लिखा है. उल्टा पुल्टा किसने लिखा है, मिनिस्ट्री ने खुद लिखा है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, पहले खुद उल्टा पुल्टा लॉ बनाते हैं
और फिर कहते हैं हम उस जो डिफिकल्टीज आ रही है ना उनको रिमूव करेंगे. अरे भाई डिफिकल्टीज क्रिएट किसने की हैं? आपने खुद ही क्रिएट की हैं, मिनिस्ट्री ने खुद ही क्रिएट की हैं, फिर आप कह रहे हो हम उनको डिफिकल्टीज को रिमूव करेंगे. तो इतनी जल्दबाजी क्या थी लॉ बनाने में? और हिंदुस्तान में कुछ टाइम से ना ट्रेंड हो गया है, कंपनीज एक्ट 2013, कांग्रेस को जल्दी थी बनवाने की, बनवा दिया. जीएसटी बनाने की जल्दी बीजेपी की तो थी, बना दिया. फिर बाद में चलो ये चेंज करो वो चेंज करो आए दिन. और जो लोग जीएसटी से डील कर रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं जो पढ़ा रहे हैं उनको मालूम है कि जीएसटी में बार बार अमेंडमेंट्स आ रही हैं. एक तीसरा इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, वो भी न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिया कॉरपोरेट सेक्टर के ऊपर. और उसमें इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 आया, फिर 2017 में अमेंडमेंट, फिर 2018 में अमेंडमेंट, और एक के बाद एक लाइन लगाकर अमेंडमेंट्स. पहले उल्टा पुल्टा लॉ बना दो, फिर उसमें देखो अच्छा इसमें ये गलतियां हो गई हमसे, अब दुनिया को ये प्रॉब्लम हो रही है, कॉरपोरेट सेक्टर को ये प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, अब इसको चेंज करो. और प्रॉब्लम में जो फंसे हुए हैं वो दुखी हैं, वो अपने बाल खींच रहे हैं, बाल उखड़ रहे हैं, और क्या हो रहा है. बट वेल, और मैं नहीं कह रहा हूं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहते हैं कि आप क्या बदतमीजी है लॉ बनाने की, इतनी जल्दी क्या थी, ढंग से बैठकर लॉ बनाते. आजाद हुए इतने साल हो गए हमें, आज तक लॉ बनाना नहीं आया. तो नाउ वी हैव टू फाइनली गो टू द यूनिट वन. और अब हम शुरू करने जा रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. और पहला एक छोटा सा गिफ्ट जो मैंने अपनी तरफ से आपको दे दिया है, जो मैं पढ़कर नहीं सुनाऊंगा आपको, लेकिन आपके फायदे के लिए, और वो क्या है, इस यूनिट वन के अंदर आप ये देखोगे, ऑब्वियसली यूनिट वन में चैप्टर 11 डील कर रहे हैं, सेक्शन 149-172, और साथ में रूल्स का नाम क्या है, अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014 फॉर्म सीरीज DIR. और ये यूनिट वन थोड़ी सी बड़ी तो है, रादर सबसे बड़ी यूनिट यही है, द लेंथीएस्ट यूनिट इज यूनिट वन. और इस यूनिट वन के अंदर जो सेक्शन हम डील करने वाले हैं ना, उनका मैंने आपको इंडेक्स बनाकर दे दिया यहाँ पर, और हर यूनिट के शुरू में है कि इस यूनिट में इतने सेक्शन आएंगे. और सिर्फ आप देखोगे सेक्शंस का इंडेक्स नहीं दिया मैंने, जहां मुझे सबसेक्शन इंपॉर्टेंट लगता है ना मैंने तो वो भी दे दिया इंडेक्स के अंदर, कि सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए क्लॉज बी, सबको पता होना चाहिए क्लॉज ए क्लॉज बी क्या है, फिर क्लॉज सी डी ई क्या है, 152 सबसेक्शन 7 क्या है. तो मैंने तो इंडेक्स के अंदर सिर्फ सेक्शन वाइज इंडेक्स नहीं बनाकर दिया, बीच में सबसेक्शन क्लॉज वाइज भी बनाकर दिया है, और टॉपिक वाइज उसको ब्रेक कर दिया है. इट इज ब्रोकन टॉपिक वाइज, जहां मुझे लगता है कि कुछ ब्लॉक एक साथ होना चाहिए तो वो ब्लॉक एक साथ बना दिया है. 161 के अंदर देखोगे सबसेक्शन 1, 2, 3, 4. 149 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अंदर देखोगे तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पूरा एक ब्लॉक बना दिया है. और ये मतलब मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आज नहीं याद करना, लेकिन जब मैं ये चैप्टर आपको करवा मतलब या यूनिट वन खत्म कर लूंगा, जब यूनिट वन खत्म कर लूंगा तो आपको ये पूरी लिस्ट याद होनी चाहिए, और ये आपको घर जाकर करना है खुद से. तो वो सेक्शन वाइज इसलिए दिया इंडेक्स, ताकि वो शिकायत खत्म हो जाएगी हम सेक्शन नंबर कहां से याद करें. दैट इज वाई गिवन द सीक्वेंस. और फिर फॉर्म्स का भी दे दिया आपको इस चैप्टर के अंदर, स्पेशली वो सारी यूनिट्स में देखने के लिए मिलेगा आपको कि फॉर्म सीरीज DIR 1 DIR 2 DIR 3 DIR 4. उम्मीद है कि आपने पहले वाले चैप्टर्स में ऐसा कभी कुछ किया तो नहीं होगा, घर जाकर किया है अपने आप से? कितने लोगों ने ऐसा किया है अपने आप घर जाकर कि पहले वाले चैप्टर्स में इस तरीके से फॉर्म सीरीज लिख लेते थे तो अच्छा लग रहा है. 20% हैंड्स आर कमिंग अप, बाकी 80% से यही उम्मीद थी मुझे कि नहीं करेंगे घर जाकर. हर चैप्टर में कर लेना प्लीज, मतलब खुद के लिए अच्छा रहता है, रिटेन करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए, एग्जाम्स के लिए. और एग्जाम के लिए हम बोलते ही हैं सेक्शन नंबर फॉर्म नंबर याद रखना मैंडेटरी है, कंपलसरी है. तो दैट इज व्हाई इट इज गिवन. अच्छा, बीच में आप देखोगे कुछ फॉर्म एबॉलिश हो गए हैं, लेकिन मैंने फिर भी मेंशन कर दिए हैं DIR 1 DIR 4 DIR 7 इज एबॉलिश्ड. तीन फॉर्म एबॉलिश हो गए लेकिन फिर भी मेंशन कर दिए हैं, नहीं तो दिमाग में सोचते रहते हैं पता नहीं क्या था, पता नहीं क्या होता होगा, तो इसलिए वो मेंशन कर दिया है बीच में. एक फॉर्म DIR 11 फाइल करना ऑप्शनल है, तो इसके साथ लिख दिया ऑप्शनल है. DIR 11 इज नॉट अ मैंडेटरी फॉर्म, इट इज ऑप्शनल फॉर्म. विल द डायरेक्टर मे फाइल, डायरेक्टर मे नॉट फाइल. तो ये पहला काम जो मैंने थोड़ा सा कर दिया है वो इसलिए था कि एज स्टूडेंट लाइफ इजी हो जाए. एंड नाउ फाइनली द टाइम हैज कम दैट व्हेन वी आर एंटरिंग द चैप्टर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है, क्यों करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन जनरल करते क्या है. हाँ जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन जनरल अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंटेड बाय मेंबर्स बाय पासिंग द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, कहने से मोर देन 50% मेजॉरिटी.
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट क्यों करते हैं? टू मैनेज द कंपनी, टू मैनेज द बिजनेस ऑफ द कंपनी. तो हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द ब्रेन ऑफ द कंपनी. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द ब्रेन ऑफ द कंपनी एंड दे मैनेज द कंपनी ऑन डे टू डे बेसिस. डेली बेसिस पे बिजनेस कौन चलाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. डे टू डे बेसिस पे फैसले कौन लेता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. लेकिन उनको अपॉइंट करने वाला कौन है? मेंबर्स. तो अगर हम बोलते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं. अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मे बी 40 लाख, 42 लाख शेयर होल्डर्स राइट नाउ, अभी आज की तारीख में. नाउ 42 लाख शेयर होल्डर्स, लेकिन उन्हें अपॉइंट क्या किए? 15 डायरेक्टर्स, 15-16 डायरेक्टर अपॉइंट किए, 15-16 डायरेक्टर्स, मे बी थोड़े से कम ज्यादा, वो मैं हर वक्त चेक नहीं करता रहता. हालांकि रिलायंस की एमसीए की वेबसाइट से मिल जाएगा पूरा का पूरा कि रिलायंस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है. तो मे बी 15-16 डायरेक्टर्स आर देयर, और वो 15-16 डायरेक्टर बैठकर वो कंपनी का बिजनेस मैनेज कर रहे हैं. लेकिन जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, तो डिविडेंड किस में बटेगा? लाखों शेयर होल्डर्स में. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसके फायदे के लिए बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं? शेयर होल्डर्स के फायदे के लिए, मेंबर्स के फायदे के लिए. क्या मैं कह सकता हूं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर एक्टिंग एज ट्रस्टी, आर एक्टिंग एज ट्रस्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ लैक्स ऑफ शेयर होल्डर्स, उनके फायदे के लिए. हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी सैलरी लेते हैं, वो अलग बात है कि सैलरी थोड़ी सी ज्यादा होती है, कुछ करोड़ रुपए में हो सकती है सैलरी या जो भी है. बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर मैनेजिंग द बिजनेस एंड ऑब्वियसली दे आर अपॉइंटेड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ इन जनरल, इज इट पॉसिबल कि मेंबर्स के अलावा कोई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करे? इज इट पॉसिबल कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद फर्दर डायरेक्टर अपॉइंट करें, एडिशनल डायरेक्टर? सेक्शन 161 सबसेक्शन 1, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं. एक डायरेक्टर इंडिया के बाहर चला गया फॉर 3 मंथ्स और मोर, तो उसकी जगह अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं जब तक वो वापस नहीं आ जाता. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, या डायरेक्टर की डेथ हो गई तो उसकी जगह डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी अपॉइंट कर रहे हैं. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद ही अपॉइंट कर रहे हैं फर्दर डायरेक्टर्स. एनसीएलटी कैन अपॉइंट द डायरेक्टर्स, जिस कंपनी में फ्रॉड हो रहे हैं, जिस कंपनी में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो वहां पर एनसीएलटी कैन अपॉइंट द फर्दर डायरेक्टर्स. ये ठीक है, मेंबर्स अपॉइंट करते हैं इन जनरल, वो हम समझते हैं कि इन जनरल. नॉर्मली डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का काम किसका है? मेंबर्स का है इन जनरल, जनरल रूल. लेकिन एक्सेप्शंस आर देयर. बीओडी आर अपॉइंटिंग फर्दर डायरेक्टर्स, एनसीएलटी इज अपॉइंटिंग सम डायरेक्टर्स. और ऐसा भी हो सकता है कि मेंबर्स आर अपॉइंटिंग द डायरेक्टर्स नॉट बाय पासिंग ओआर बट बाय पासिंग एसआर, ऐसा भी होता है. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जब सेकंड टेन्योर के लिए अपॉइंट होता है तो बाईपासिंग एसआर. मैनेजिंग डायरेक्टर जिसको अपॉइंट कर रहे हैं, जिसकी एज 70 इयर्स या 70 इयर्स से ज्यादा है, तो एसआर. तो मेंबर्स आर अपॉइंटिंग, बट मेंबर्स आर अपॉइंटिंग बाय पासिंग द एसआर. जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पहली बार अपॉइंट होता है 5 साल के टेन्योर के लिए, तो ओआर. लेकिन जब रीअपॉइंट होता है तो एसआर. एमडी अपॉइंट कर रहे हैं किसी को जिसकी एज 70 ईयर्स है, तो एसआर. तो एक तो रीअपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बाय पासिंग एसआर, एक मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी हु इज 70 ईयर्स और मोर, तो एसआर. तो एक्सेप्शंस आर देयर. अब मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए? पब्लिक कंपनी इज मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनी इज मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, 1% कंपनी शेल हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर, ओपीसी एटलीस्ट 1 डायरेक्टर. तो एटलीस्ट 3, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 1. लेकिन सबके लिए एक चीज कॉमन है, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स. वो सबके लिए है, सारी कंपनीज के लिए है, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स सबके लिए है. पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी कंपनी, सबके लिए सेम है, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स. तो मैक्सिमम 15, लेकिन इसमें भी कह रहे हैं 15 को आप इंक्रीज करके 16 कर सकते हो बाय पासिंग द एसआर. अप टू 15 डायरेक्टर्स नो एसआर, यू वांट टू इंक्रीज इट अबव 15 यू हैव टू पास एसआर. देन डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर कलेक्टिवली कॉल्ड, जितने भी डायरेक्टर्स हैं कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या सिंपली कॉल्ड एज बोर्ड. इंडिविजुअल पर्सन इज कॉल्ड एज डायरेक्टर. Put together all of them are called board of directors. Then नीचे जो discussion दिया गया है, मैं कहूंगा general discussion है, बहुत ज्यादा detail में बताने के लिए कुछ नहीं है. लेकिन हाँ, दो छोटे छोटे point है. Number one, when we say board of directors are acting in the
fiduciary position towards number one company, number two members. तो fiduciary position में दो बातें आ जाती हैं, number one trusteeship, number two agent. Board of directors are in the fiduciary position towards the company and they are trustee towards the company and the members, they are agent of the company also at the same time. और हम कहते हैं board of directors के पास उनके hold में सब कुछ है, company की land, buildings, bank account, everything, कंपनी की सारी assets उनके control में है, वो manage करते हैं, लेकिन किसके फायदे के लिए? For the benefit of members, shareholders, they are beneficiary. तो board of directors are suo moto acting as trustee for the benefit of members. अब एक चीज खास बात मालूम है यहां पर क्या है, किसी ने board of directors को trustee appoint किया नहीं है, वो अपने आप सुओ मोटो अपनी मर्जी से एज ट्रस्टी अपनी पोजीशन को, मतलब वो प्रज्यूम कर रहे हैं कि हमारी पोजीशन ट्रस्टी वाली पोजीशन है, हमें सबके फायदे के लिए करना है. किसी ने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ट्रस्टी अपॉइंट किया नहीं है. जब हम ट्रस्ट एक्ट पढ़ते हैं, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 पढ़ते हैं, तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि तीन लोग होते हैं ट्रस्ट के अंदर, एक ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, एक ट्रस्टी और एक बेनिफिशियरी. ऑथर ऑफ द ट्रस्ट जो अपनी प्रॉपर्टी की लीगल ओनरशिप ट्रस्टी को देता है, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन लगाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी. यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, यहां तो कोई ऑथर है ही नहीं, यहां पर तो क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मर्जी से सुओ मोटो ऑन इट्स ओन मोशन स्वयं खुद मान रहे हैं कि हम पोजीशन ऑफ ट्रस्ट में हैं और जिस प्रॉपर्टी का वेल कंट्रोल हमारे हाथ में है वो प्रॉपर्टी हम अपने घर नहीं ले जा रहे, किसके फायदे के लिए उसको मैनेज करना है, शेयर होल्डर्स के फायदे के लिए. तो बेनिफिशियरीज हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर देमसेल्व्स एक्टिंग अ ट्रस्टी. तो मैं इसको बोल सकता हूं वेल कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट है, इट इज कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट. इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इट इज कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट, जिसमें किसी ने ट्रस्टी अपॉइंट नहीं किया लेकिन वो अपने आप अपनी मर्जी से मान लेते हैं कि हम ट्रस्टी हैं. और दूसरी चीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे साइन द कॉन्ट्रैक्ट विद द थर्ड पार्टीज ऑन हूज बिहाफ, ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी. तब जब डायरेक्टर साइन करता है या एमडी साइन करता है कॉन्ट्रैक्ट पे, क्या नीचे रबर स्टैंप लगाएगा ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी? जब एमडी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करेगा तो उसके नीचे रबर स्टैंप लगाएगा, इट इज ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी. एंड डायरेक्टर्स आर एक्टिंग एज एजेंट ऑफ द कंपनी इन विच दे आर डायरेक्टर्स. तो एजेंसी इज क्रिएटेड बाय सेक्शन 179. यहां तो खैर हम बोलते हैं 179 सबसेक्शन 1 खुद ही एजेंसी क्रिएट करता है, और ये 179 सबसेक्शन 1 आप करोगे इन द यूनिट 3 ऑन पेज नंबर 3.2, लेकिन अभी दो लाइनों में बताने के लिए सिर्फ बता रहा हूं, सिर्फ सुन लीजिएगा. आगे यूनिट 3 में सब लिखा हुआ है, पेज नंबर 3.2 पे सब लिखा हुआ है, अभी सिर्फ सुन लीजिएगा. सेक्शन 179 सबसेक्शन 1 कहता है, इन जनरल द पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर को एक्सटेंसिव विद द पावर्स ऑफ शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग. इसका मतलब यह है कि हर वो काम जो शेयर होल्डर्स कर सकते हैं जनरल मीटिंग में, हर वो काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कर सकते हैं बोर्ड मीटिंग में, एक्सेप्ट दोज पावर्स विच आर रिजर्व्ड फॉर द शेयर होल्डर्स आइदर बाय द कंपनीज एक्ट और बाय द मेमोरेंडम और बाय द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी. तो इन जनरल द पावर्स ऑफ बोर्ड आर को एक्सटेंसिव विद द पावर्स ऑफ द मेंबर्स इन द जनरल मीटिंग. को एक्सटेंसिव का मतलब सेम, द पावर्स आर सेम एक्सेप्ट दोज पावर्स विच आर एक्सप्रेसली रिजर्व्ड फॉर मेंबर्स फॉर द शेयर होल्डर्स. कहां रिजर्व करके रखा गया है, या तो एक्ट में या मेमोरेंडम में या आर्टिकल्स में रिजर्व करके रखी गई है पावर्स, वो पावर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं. और एक्ट में कैसे पता चलता है कि कौन सी पावर्स रिजर्व करके रखी गई हैं? पूरे कंपनीज एक्ट में सारे के सारे चैप्टर्स में जो चैप्टर्स आप लोगों ने अभी तक पढ़े हैं, जहां पर भी लिखा होता है कि ये काम जनरल मीटिंग में होगा बाईपासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है, रिजर्व्ड फॉर द मेंबर्स बाय द एक्ट. लेकिन ऐसे बहुत सारे काम हैं जहां जिसके बारे में एक्ट साइलेंट है, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिसके बारे में एक्ट साइलेंट है. फॉर एग्जाम्पल, ओपनिंग अ न्यू ब्रांच ऑफिस ऑफ द कंपनी, तो कंपनीज एक्ट में कोई सेक्शन है ही नहीं. ओपनिंग अ न्यू बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी, तो कंपनी लॉ में कोई सेक्शन है ही नहीं. तो वो काम कहां करें, जनरल मीटिंग में बैठकर रेजोल्यूशन पास करें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, या बोर्ड मीटिंग में बैठकर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करें, या दोनों कर सकते हैं. ओपनिंग अ न्यू बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी, 500 करोड़ रुपए जमा करवाने हैं, नया बैंक अकाउंट ओपन करके 500 करोड़ जमा करवाने हैं, लेकिन उसके लिए कोई सेक्शन ही नहीं है, तो बैंक अकाउंट कहां बैठकर ओपन करें, जनरल मीटिंग या बोर्ड मीटिंग? लीगली आप दोनों कर सकते हो, लीगली आप दोनों कर सकते हो, लेकिन लाखों शेयर होल्डर्स को नोटिस देकर बुला रहे हैं कि आओ बैठो, एक रेजोल्यूशन पास करना है बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, और उसमें खर्चा बहुत ज्यादा होगा, तो मैं कहूंगा बेवकूफी है, तो खर्चा कम कैसे करें, बोर्ड मीटिंग में.
pass the resolution in the board meeting. So then talking about this, तो एजेंसी कहां क्रिएट हुई है 179 सबसेक्शन 1 में जहां लिखा है पावर्स आर को एक्सटेंसिव, पावर्स आर को एक्सटेंसिव. और ऊपर ये जो लिखा है कि वो अपने आप एज ट्रस्टी काम कर रहे हैं, मैंने पहले भी बोला था, यहां लिख देता हूं कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट क्रिएट हो रहा है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने आप को ट्रस्टी मान रहे हैं, हालांकि किसी ने उनको बोला नहीं कि हम आपको ट्रस्टी अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को ट्रस्टी मान रहे हैं. अब इसके नीचे जो लिखा है ये आप पढ़ चुके हैं, वाइल कलेक्टिंग वाइल एक्टिंग कलेक्टिवली द बीओडी दे कैन एक्सरसाइज ऑल द पावर्स विच द मेंबर्स कैन एक्सरसाइज इन द जनरल मीटिंग. पावर्स आर को एक्सटेंसिव, लेकिन उसके बाद इंपॉर्टेंट है एक्सेप्ट दोज पावर्स विच आर स्पेसिफिकली रिजर्व बाय द एक्ट और बाय द मेमोरेंडम और बाय द आर्टिकल्स टू बी एक्सरसाइज बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग. So this is important. और यही 179 subsection 1 कह रहा है, तो वो लिंक आ जाता है नीचे. This is 179 subsection 1. और कलेक्टिवली की बात हो रही है. अच्छा, ये कलेक्टिवली वर्ड भी इंपॉर्टेंट है. एक इंडिविजुअल डायरेक्टर के पास पावर्स नहीं है जनरल मीटिंग की, एक इंडिविजुअल डायरेक्टर के पास मेंबर्स की पावर नहीं है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज अ होल, एज अ बॉडी ऑफ 15 डायरेक्टर्स, their powers are coextensive with the power of members in the general meeting, not one single individual director. Solo director ki baat nahi ho rahi hai. Then board of directors are acting as eyes, ears, brain, hands, nerves and the other limbs, essential limbs of the company. Baki ye generalized hai, apne aap pad lijiyega. Mere batane wala isme technical kuch nahi hai, read that on your own. Well, nothing much that I will be telling. Board of directors ka kaam hi hai business ko control karna, guide karna, direct karna. और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ड्यूटीज की लिस्ट कहां दी गई है, सेक्शन 166 गिव्स द ड्यूटीज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. और आगे बढ़ते हैं तो मैं कहूंगा टेक्निकली यहां से चैप्टर सेक्शन वाइज शुरू होता है. तो सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 2 क्लॉज 34. डायरेक्टर मीन्स वॉट, डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी जिसका अपॉइंटमेंट हुआ है. एंड डायरेक्टर मीन्स जब बोल रहे हैं डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसका अपॉइंटमेंट बोर्ड में हुआ है, फुल स्टॉप. तो कहने से डेफिनेशन इज एग्जॉस्टिव और इंक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, क्योंकि क्या लिखा है, दिस मीन्स दिस फुल स्टॉप, जो लिखा है वही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है. जिसका अपॉइंटमेंट हुआ है एज डायरेक्टर इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वही डायरेक्टर है और कोई डायरेक्टर नहीं है. अब मेरा एक सवाल है, मेरी एक क्लाइंट कंपनी है, प्रैक्टिकल केस बता रहा हूं आपको, प्रैक्टिकल सिचुएशन, जिसमें क्या है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर की एज होगी 50 इयर्स अप्रोक्सीमेटली, 50 साल, 52 इयर्स. उनके जो चाचा जी हैं उनकी एज होगी 75 इयर्स, एमडी के जो चाचा जी हैं. अब चाचा जी को कंपनी में बुलाकर उनको ना एक ऑफिस दे दिया अलग से, और वो कंपनी में आते हैं, बैठते हैं डेली बेसिस पे, और उनके ना ऑफिस के बाहर जो नेम प्लेट लगी है, नेम प्लेट पे उनका डेजिग्नेशन, ऊपर नाम लिखा है, नीचे छोटा सा डेजिग्नेशन लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी. क्या लिखा है, प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी. अब पूरे कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शंस में कहीं भी प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी नाम की कोई चीज है ही नहीं, लेकिन चाचा जी के नेम प्लेट पे क्या लिखा हुआ, नेम और उनके केबिन के बाहर प्रेसिडेंट, और उनका जो विजिटिंग कार्ड बना है उस पर भी चाचा जी का नाम है, साथ में प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी लिखा हुआ है. अच्छा, उनको जो पावर्स दी हुई है वो भी पावर्स भी बहुत ज्यादा दी हुई है, मतलब बैंकर से मिलने के लिए जाते हैं, लोन के लिए बात करते हैं कि कंपनी को लोन चाहिए 25 करोड़ का, 50 करोड़ का, 70 करोड़ का, नेगोशिएट करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस, नेगोशिएट करते हैं, और उसके बाद लोन अप्रूवल लेकर आते हैं, लोन सैंक्शन लेटर लेकर आते हैं, कल को लोन एग्रीमेंट के ऊपर साइन करना है वो भी कर देते हैं, और साइन करके कहते हैं ऑथराइज्ड सिग्नेटरी हूं, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव. और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रेजोल्यूशन पास करके चाचा जी को बोल रखा है कि आप कंपनी के ऑथराइज्ड सिग्नेटरी हो, बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके पावर डेलीगेट कर दी. और कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर मॉर्गेज भी क्रिएट कर देते हैं, कंपनी की फैक्ट्री के ऊपर मॉर्गेज, मॉर्गेज डीड भी साइन कर देते हैं. अब चाचा जी कर तो सब कुछ देते हैं, और चाचा जी खुद किसी बहुत बड़े बैंक से रिटायर हुए थे, वन ऑफ द बिग पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक से रिटायर हुए थे, उनकी बैंकिंग सेक्टर में जान पहचान बहुत है, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में. तो वो कहते हैं एक बैंक से लोन नहीं मिलेगा ना, दूसरे से ला दूंगा, दूसरे से नहीं मिलेगा तीसरे से ला दूंगा, बैंकिंग सेक्टर में अपना बहुत होल्ड है, बहुत लोगों से जान पहचान है. और इसलिए उनको कंपनी में प्रेसिडेंट बनाया था कि चलो उनकी इतनी अच्छी जान पहचान है तो पैसा मिलने में, लोन मिलने में परेशानी नहीं होगी. तो चाचा जी जो काम कर रहे हैं, जो पावर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो किसी डायरेक्टर से कम तो नहीं है.
लेकिन उनको डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया है, उनको फॉर्मल तरीके से डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया है, उनको पोजीशन मतलब ये नहीं बोला दैट यू आर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, लेकिन काम वो डायरेक्टर फाइनेंस वाला करते हैं। कौन सा काम कर रहे हैं? डायरेक्टर फाइनेंस का काम कर रहे हैं, फंड्स अरेंज कर लाते हैं, लोन एग्रीमेंट साइन कर देते हैं, लोन एग्रीमेंट भी और मॉर्गेज डीड भी। तो क्या उनको डायरेक्टर माना जाना चाहिए नहीं माना जाना चाहिए? और कल को अगर वो ये सारे काम करते हुए लॉ कॉन्ट्रावीन कर देते हैं तो क्या उनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ जी, ये एक सवाल है। अब एक चीज बताना चाहता हूं आपको, ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 में, उन दिनों में ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 में जो पुरानी डेफिनेशन थी डायरेक्टर की, अब ये आज की तारीख में नहीं है, इट इज नॉट फॉर कंपनीज एक्ट 2013, दिस इज ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956। उस वक्त कहते थे डायरेक्टर इंक्लूड्स फॉलोइंग टू कैटेगरी ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स डी ज्यूरे एंड डायरेक्टर्स डी फैक्टो। डी ज्यूरे का मतलब वो डायरेक्टर जिसका प्रॉपर अपॉइंटमेंट हुआ है, लीगल अपॉइंटमेंट हुआ है एज डायरेक्टर, और उस जमाने में फॉर्म 32 जाया करता था आरओसी के पास फॉर इंटीमेशन टू द आरओसी नया डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है। और डायरेक्टर डी फैक्टो किसको, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो डायरेक्टर अपॉइंट हुआ ही नहीं है बट, और उसका फॉर्म नंबर 32 भी फाइल नहीं हुआ, आरओसी को इंटीमेशन भी नहीं गई है, बट ही इज एक्सरसाइजिंग ऑल द पावर्स ऑफ डायरेक्टर एंड परफॉर्म्स ऑल द ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। जो डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हुआ है लेकिन उसके पास पावर्स और ड्यूटीज वही डायरेक्टर वाली हैं, तो उसको भी कहते थे, ये ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 में था, कि डायरेक्टर जो प्रॉपर तरीके से अपॉइंट हुआ है वो भी डायरेक्टर है, जो प्रॉपर तरीके से अपॉइंट नहीं हुआ है लेकिन पावर्स और ड्यूटीज डायरेक्टर वाली एक्सरसाइज करता है उसको भी डायरेक्टर मान लिया जाएगा, और कंपनी में कॉन्ट्रावेंशन होगी तो फिर प्रोसिक्यूट दोनों होंगे और शो कॉज नोटिस दोनों के नाम से आएगा या कोर्ट में प्रोसिक्यूशन दोनों का होगा। हाँ, शुरू में जो आरओसी की तरफ से पहला नोटिस आएगा वो तो डायरेक्टर डी जुरे के नाम से आएगा, डायरेक्टर डी फैक्टो के नाम से शुरू में नोटिस नहीं आएगा, इसके नाम से आएगा क्योंकि इसी का रिकॉर्ड आरओसी के पास है, फॉर्म 32 आरओसी के पास है। लेकिन जब ये डायरेक्टर कोर्ट में खड़ा होकर बोलेगा कि जज साहब ये काम मैंने नहीं किया, ये काम तो किसी और ने किया है, तो उसको बुलाओ, तो जज साहब उसके नाम से समन इशू करेंगे, अरेस्ट वारंट इशू करेंगे, उसको भी बुलाएंगे, दैट इज हियर। लेकिन उसको फिर वो डायरेक्टर डी फैक्टो मान लिया जाएगा और एज डायरेक्टर उसको भी रिस्पॉन्सिबल मान लिया जाएगा, उसको भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा। अभी विल कहानी बदल दी है। क्या कहानी बदल दी है? अब न्यू कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हैं तो अब डायरेक्टर्स डी जुड़े हैं डायरेक्टर्स, और डायरेक्टर्स डी फैक्टो तो डायरेक्टर्स है ही नहीं। मतलब अभी जो न्यू कंपनीज एक्ट है उसमें तो हम कह रहे हैं देयर इज ओनली वन कैटेगरी ऑफ डायरेक्टर। कौन से? ओनली फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज द पर्सन हु इज प्रॉपरली अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इज डायरेक्टर। और आज की तारीख में फॉर्म DIR 12 जाता है, फॉर्म 32 नहीं जाता, फॉर्म DIR 12 जाता है, इट इज फाइल टू द आरओसी फॉर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। और DIR 12 तो तब भी जाता है जब कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट होता है। CS के लिए भी सेम फॉर्म है, सारे डायरेक्टर्स के लिए भी और द मैनेजर के लिए भी और कंपनी सेक्रेटरी के लिए भी सेम फॉर्म DIR 12। और जब अपॉइंट होते हैं तो भी DIR 12 जाता है, जब हम लोग रिजाइन करते हैं तो भी DIR 12 जाता है। DIR 12 तो अपॉइंटमेंट के लिए भी है, चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए भी है, और जब कंपनी सेक्रेटरी भी अपॉइंट होता है या रिजाइन करता है तब भी DIR 12 तब भी जाता है। लेकिन अब डायरेक्टर डिफेक्टो डायरेक्टर्स अब नहीं माने जाते न्यू कंपनीज एक्ट में, अब देर इज ओनली फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डायरेक्टर्स। कितने लोग मानते हैं कि पहले जो था वो ज्यादा सही था, कितने लोग मानते हैं जो अब है वो ज्यादा सही है? कितने लोग मानते हैं जो पहले था वो ज्यादा सही था, पहले वाला कि दोनों को डायरेक्टर माना जाए? लेट मी सी द हैंड स्ट्रेट अप, सो गुड नंबर ऑफ हैंड्स कमिंग अप, मे बी 80-90 हैंड्स कमिंग अप। कितने लोग मानते हैं जो अभी है वो ज्यादा सही है? तो आई कैन सी नियर अबाउट 80-90 हैंड्स कमिंग अप फॉर दिस ऑल्सो। बाकी सब लोग जो हाथ ऊपर नहीं कर रहे, ना पहले सही था ना अब सही है, हम सही बनाएंगे, हम कुछ और बनाएंगे। पर्सनली स्पीकिंग मुझे लगता है जो पहले वाला था वो ज्यादा सही था, कि भाई जो आदमी डायरेक्टर्स की पावर्स एक्सरसाइज कर रहा है और डायरेक्टर की पोजीशन को यूज कर रहा है या मिस यूज कर रहा है, चाहे वो डायरेक्टर अपॉइंटेड नहीं है, फंसना तो उसको भी चाहिए। जो डायरेक्टर्स की पावर्स एक्सरसाइज कर रहा है, जो डायरेक्टर्स की पोजीशन को यूज कर रहा है या मिस यूज कर रहा है, फंसना तो उसको भी चाहिए। अब ठीक है, कुछ कर नहीं सकते हैं फिलहाल। फिलहाल मैं कहूंगा सी द पॉइंट इज कि इतना कुछ डिटेल में आपको एग्जाम में करना नहीं है, आपके लिए तो एग्जाम के लिए एक लाइन में कहानी खत्म हो जाती है। डायरेक्टर मीन्स डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छे बच्चों की तरह एक लाइन याद करनी है बस, डायरेक्टर कौन होता है? जिसको एज डायरेक्टर अपॉइंट किया है, सेक्शन टू सबसेक्शन या क्लॉज, क्लॉज सेक्शन टू में
क्लॉजेस हाँ नॉट सबसेक्शंस, बाकी हर जगह सेक्शन सबसेक्शन वो एक अलग कहानी है, बट सेक्शन 2 क्लॉज 34 एंड डायरेक्टर मींस द डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अच्छा ये जो आप वहां स्क्रीन पे देख रहे थे यही लिखा हुआ है यहाँ पर. अ क्वेश्चन अराइजेस दैट इफ अ पर्सन इज नॉट अपॉइंटेड एज डायरेक्टर बट ही इज एक्सरसाइजिंग द पावर्स इक्वल टू अ डायरेक्टर एंड डिस्चार्जिंग द ड्यूटीज ऑफ अ डायरेक्टर देन वेदर ही कैन बी हेल्ड लाइबल एज डायरेक्टर और नॉट लेटर ऑन. In old Companies Act 1956, such person was included in the definition of director, but not included in the definition of director now. लेकिन मैं अभी final answer नहीं दे रहा हूँ कुछ भी. मतलब मैंने बता दिया कि old section या old Companies Act में ऐसा था, new Companies Act में ये है. अब final answer तो कभी High Court या Supreme Court ही देगा कि इन लोगों को liable माना जाए या ना माना जाए. आगे बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, अब टॉपिक्स वाइज बहुत सारे टॉपिक आने वाले हैं, बहुत सारी डेफिनेशन, होल टाइम डायरेक्टर, पार्ट टाइम डायरेक्टर्स, देन रोटेशनल डायरेक्टर, नॉन रोटेशनल डायरेक्टर एंड परमानेंट डायरेक्टर्स, इनसाइड डायरेक्टर्स एंड आउटसाइड डायरेक्टर्स, नॉमिनी डायरेक्टर्स, KMPs, प्रोफेशनल डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, चेयरमैन, देन CMD, देन मैनेजर कम डायरेक्टर, and president, CFO, CEO, lots of things coming up in the pipeline one by one. ये chairman की definition आप लोगों में से कुछ लोग कर चुके हैं जब हमने general meeting का chapter किया था, याद है? Chapter of general meeting में कर चुके हैं, तो जो कर चुके हैं उनको request करूंगा एक बार revise कर लीजिएगा. Regulation 70 of table F, regulation 70 clause 1, clause 2 and section 104. तो जनरल मीटिंग के चैप्टर में किया था, बाकी जिन्होंने नहीं किया उनके फायदे के लिए थोड़ा बहुत करवाऊंगा इस चैप्टर में भी करेंगे. ऑब्वियसली चेयरमैन पता होना ही चाहिए सबको, एवरीबॉडी शुड नो. और वो जो वहां लिखा था उस चैप्टर में वो सब कुछ कॉपी पेस्ट यहां दोबारा भी लिखा है इस चैप्टर में, क्योंकि उस चैप्टर में भी रेलिवेंट था, इस चैप्टर में भी रेलिवेंट है. तो लिखा तो वहां भी था, लिखा यहां भी है, सब कुछ, एवरीथिंग इज मेंशन. लेकिन डिस्कशन थोड़ा सा शॉर्टकट में करेंगे, फुल डिटेल नहीं. अभी फिलहाल शुरू कहां से करने जा रहे हैं? होल टाइम डायरेक्टर एंड पार्ट टाइम डायरेक्टर. अब इन सब के बारे में बात करनी है, हु इज होल टाइम डायरेक्टर, हु इज पार्ट टाइम डायरेक्टर. तो होल टाइम डायरेक्टर की डेफिनेशन जब हम बोल रहे हैं, होल टाइम डायरेक्टर इंक्लूड्स व्हाट? नाउ होल टाइम डायरेक्टर इंक्लूड्स अ डायरेक्टर इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी. होल टाइम डायरेक्टर इंक्लूड्स अ डायरेक्टर हु इज इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, जो अपना पूरा टाइम कंपनी को डिवोट करता है. और पार्ट टाइम कौन? जो अपना पूरा टाइम कंपनी को डिवोट नहीं करता है वो पार्ट टाइम, जो पूरा टाइम कंपनी को डिवोट करता है वो होल टाइम. अब मेरा एक सवाल है यहां पर आपके लिए, क्वेश्चन मार्क है रिगार्डिंग द होल टाइम डायरेक्टर. और वो क्वेश्चन ये है, बहुत ध्यान से सुनिएगा. हमारी कंपनी में एक किचन है, मतलब कंपनी के ऑफिस में एक किचन है जिसमें पेंट्री बॉय है, और पेंट्री बॉय का काम है भैया चाय कॉफी बना लाता है, बिस्किट सर्व करता है और स्नैक्स बना लाता है, स्नैक्स सर्व करता है. उसको हम अपनी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, मतलब वो पेंट्री बॉय है फुल टाइम, और सुबह 9 बजे आ जाता है, शाम को 6 बजे तक, 7 बजे तक ऑफिस में रहता है फुल टाइम. उसको हम अपनी कंपनी में पार्ट टाइम डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, और उसको कह रहे हैं 1 साल में 4 बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए तुम्हें बुलाएंगे, और आकर ना उसमें चुपचाप एज डायरेक्टर बैठ जाना, और जो बोलेंगे ना रेजोल्यूशन के फेवर में वोट दे दो तो चुपचाप दे देना, और तुम्हारा वोट भी काउंटिंग में काउंट होगा एज डायरेक्टर. तो और उस बोर्ड मीटिंग में भी चाय और कॉफी और स्नैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी रहेगी, दैट इज देयर. हाँ वो तो तुम्हारा काम वही है, मेन काम तो वही है तुम्हारा. तो लेकिन तुम्हें 4 बोर्ड मीटिंग, बाकी पूरा साल तुम्हें डायरेक्टर वाला कोई काम नहीं करवाएंगे. साल में 1 साल में 4 बोर्ड मीटिंग होती है, उन 4ों में बुलाएंगे, उनमें आकर बैठ जाना. क्या उसको होल टाइम डायरेक्टर माने? अब वो डायरेक्टर अपॉइंट हो गया है कंपनी में, पार्ट टाइम डायरेक्टर, और वैसे वो अपना फुल टाइम कंपनी को देता है एज पेंट्री बॉय, और वो फुल टाइम एम्प्लॉई है कंपनी का. और आते जाते अब तो मालूम है, जब वो कंपनी में चल भी रहा होता है और पेंट्री से सामान निकालकर किसी को दे रहा होता है, दूसरा भी उसको आवाज मारता है, ओ डायरेक्टर एक 2 कप चाय इधर भी लेकर आना जरा. कोई तीसरा उसको आवाज मारता है, ओ डायरेक्टर एक ब्रेड पकौड़ा देना. तो सबको बुलाते हैं, ओ डायरेक्टर ब्रेड पकौड़ा देना. तो बोलते तो सब लोग उसको डायरेक्टर डायरेक्टर ही है, और वो भी अपनी जेब से विजिटिंग कार्ड निकाल कर देता है, ये देखो आई एम डायरेक्टर ऑफ ABC लिमिटेड और व्हाटएवर कंपनी. अब वो होल टाइम डायरेक्टर है या नहीं है? यस और नो? यस और नो? हाउ मेनी थिंक यस, हाउ मेनी थिंक नो? कुछ मुझे हल्की सी यस साउंड भी सुनाई दी है. कितने लोग मानते हैं यस ही इज होल टाइम डायरेक्टर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Hands coming up. We're saying he's all-time director. How many think no? No, that is big, big majority, I'll say. So 90% hands coming up who are saying it is, well, not whole-time director, but beech mein 17-18 log hain jo keh rahe hain ki he is whole-time director. Ministry of Corporate Affairs kehta hai he is whole-time director. So majority is wrong. Majority is wrong. 17-18 log sahi hain. He is whole-time director. Aur upar dikh raha hai, means likha hai ya includes likha hai? Ab mujhe ek cheez batao. Ab humne usko pantry boy ko director appoint kar diya, to number one wo director hai ya nahi hai? Number two, wo company ki whole time employment mein hai ya nahi hai? As pantry boy, whole time employment, as employee, or as pantry boy. तो दोनों फैक्टर हो गए ना पूरे, वो डायरेक्टर भी है और वो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में भी है, चाहे वो एज पेंट्री बॉय एम्प्लॉयमेंट में है. दोनों फैक्टर पूरे हो गए या नहीं हो गए? ये सुनो. अच्छा, होल टाइम डायरेक्टर जब ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग पे पहला इंप्रेशन क्या आता है? दिमाग पे पहला इंप्रेशन क्या आता है? जो अपना पूरा टाइम कंपनी को देता है एज डायरेक्टर, जो अपना पूरा टाइम कंपनी को डिवोट करता है एज डायरेक्टर. यहां तो हम बोल रहे हैं पूरा टाइम तो वो ब्रेड पकौड़े बना रहा होता है या समोसे बना रहा होता है, लेकिन डेफिनेशन में तो फिट हो गया. कंपनी का डायरेक्टर भी है, पार्ट टाइम है, तो क्या हुआ? डायरेक्टर है और उसके साथ साथ होल टाइम एम्प्लॉय भी है कंपनी का. तो डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर इंक्लूड्स अ डायरेक्टर इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी. और मैं नहीं कह रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कह रहा है. Now the definition goes into two parts. Whole time director means whole time director includes. Now whole time director means a director devoting his full time in the company as director. And number two, the whole time director includes the director in the full time employment of the company in any other capacity. जो किसी और capacity में भी अपना full time company को दे रहा है वो भी whole time director माना जाएगा. In any other capacity, maybe as pantry boy. और ये आपके नोट्स में लिखा भी हुआ है, आपकी बुक में लिखा भी है, मेंशन्ड है, नीचे लिखा हुआ ना एमसीए सर्कुलर, इसी पेज पे, पेज नंबर 1.2 ऑन द बॉटम. नीचे आ जाइए. वेल, इफ अ पार्ट टाइम डायरेक्टर इज ऑलरेडी होल टाइम एम्प्लॉय इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी इन एनी अदर कैपेसिटी, देन ही विल बी कंसिडर्ड एज whole time director. Now this is important. Part time well director hai, lekin wo pehle se company mein whole time employee hai, aur ab whole time employee bhi aur part time director bhi appoint ho raha hai, to usko whole time director maan liya jayega. Acha, ek cheez aur, yahan par kahani khatam nahi hoti. Usko whole time director maan liya jayega to whole time director appoint karne ke liye jo legal requirements hoti hain wo comply karni padengi, ya jo part time director appoint karne ke liye legal requirements hoti hain wo comply karni padengi? अपॉइंट हम उसको पार्ट टाइम डायरेक्टर कर रहे हैं, अब हम लीगल रिक्वायरमेंट्स कौन सी वाली कंप्लाई करेंगे? होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट करने वाली या पार्ट टाइम डायरेक्टर अपॉइंट करने वाली? होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट करने वाली लीगल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई करनी पड़ेंगी, पार्ट टाइम वाली नहीं. अपॉइंट पार्ट टाइम कर रहे हैं लेकिन माना उसको होल टाइम जा रहा है, तो आपको होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फुलफिल करनी पड़ेंगी. तो लीगल रिक्वायरमेंट्स of appointment of WTD बोले तो whole time director, वो fulfill करनी पड़ेंगी. Fulfill legal requirements of appointment of whole time director. जब उसको माना ही whole time जा रहा है, और whole time director appoint करने के लिए section 196, 197, I'll say schedule 5, ये सब कुछ आ जाता है. फॉर्म MR1, फॉर्म MR2, जो कि पार्ट टाइम डायरेक्टर के लिए कुछ भी नहीं है. तो आल से बेसिकली जो ज्यादा फोकस एरिया रहता है हमारा, सेक्शन 196 एंड शेड्यूल 5 फॉर अपॉइंटिंग द होल टाइम डायरेक्टर्स एंड ऑल दैट. तो एक चीज क्लियर होनी चाहिए अब यहां पर. वेल, वन लास्ट टाइम आई एम पुटिंग ऑन द स्क्रीन. तो होल टाइम डायरेक्टर के अब दो मतलब निकल कर आते हैं. नंबर वन, डायरेक्टर डिवोटिंग हिज full time in the company as director, and number two,
The whole-time director includes a director in the full-time employment of the company in any other capacity. अच्छा जब ये डायरेक्टर बोल रहा हूं एक चीज और क्लैरिफाई कर दूं. एक तो मैंने बोला पार्ट टाइम डायरेक्टर, और भी हो सकते हैं यहां पर, एडिशनल डायरेक्टर हो सकता है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर हो सकता है. मतलब डायरेक्टर है ना, चाहे वो पार्ट टाइम डायरेक्टर हो, चाहे वो एडिशनल डायरेक्टर हो, चाहे वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर हो, किसी भी टाइप का डायरेक्टर हो, लेकिन वो फुल टाइम दे रहा है कंपनी को इन सम अदर कैपेसिटी, नॉट एज डायरेक्टर बट इन सम अदर कैपेसिटी, तो उसको होल टाइम डायरेक्टर मान लिया जाएगा. और फिर होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट करने की जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फॉलो करनी पड़ेंगी. तो आई रिपीट वन लास्ट टाइम, एक व्यक्ति जो पहले से फुल टाइम एम्प्लॉई है उसी को पार्ट टाइम डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर या ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं तो आपको लीगल रिक्वायरमेंट्स होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट करने की फॉलो करनी पड़ेंगी. कैन आई शेयर द स्क्रीन? यस. फिर अब पार्ट टाइम डायरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं. और पार्ट टाइम डायरेक्टर्स हम कहते हैं ये जो टर्म है इट इज नॉट डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट. ये टर्म कंपनीज एक्ट में तो डिफाइंड है नहीं, बट इन जनरल हम अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं पार्ट टाइम डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर हु डज नॉट डिवोट हिज फुल टाइम टू द कंपनी. हम अपनी कॉमन सेंस के हिसाब से बोल देते हैं. हाउएवर पार्ट टाइम डायरेक्टर्स करते क्या हैं फिर? तो हम कहते हैं तीन चार इंपॉर्टेंट काम करते हैं. क्या तीन चार इंपॉर्टेंट काम करते हैं? नंबर वन, दे अटेंड द बोर्ड मीटिंग. इनको जब जब बोर्ड मीटिंग के लिए बुलाया जाता है तो बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए आते हैं. बोर्ड मीटिंग्स का सेक्शन 173, बोर्ड मीटिंग्स का सेक्शन 173. एंड दे रिसीव द सेटिंग फीस फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग. कितनी सेटिंग फीस मिलती है? मैक्सिमम रुपीज 1 लाख पर डायरेक्टर, पर डायरेक्टर पर मीटिंग. अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिसाइड करना होता है कि फीस कम रखना चाहें तो कम भी रख सकते हैं, एज डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. और ये सिटिंग फीस का सेक्शन है 197. सिटिंग फीस और रेमुनरेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेक्शन इज 197. तो बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए जब हम बोलते हैं बोर्ड मीटिंग का जो मेन सेक्शन है 173, एक साल में कम से कम मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए. ज्यादा देयर इज कितनी भी करवा सकते हैं, नो लिमिट, कोई अपर लिमिट नहीं है. लेकिन सिटिंग फीस इज मैक्सिमम 1 लाख रुपीज पर डायरेक्टर पर मीटिंग. देन पार्ट टाइम डायरेक्टर्स में गिव द कंसल्टेंसी टू द कंपनी एंड चार्ज द कंसल्टेंसी फीस. अब ये जो हमारा पार्ट टाइम डायरेक्टर है, हो सकता है ये फुल टाइम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है या प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. और ये साल में 4 बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए आता है, लेकिन हमारी कंपनी को जब जब कोई लीगल प्रॉब्लम आती है तो हम उसको ईमेल कर देते हैं और वो जो भी प्रॉब्लम है उसका रिप्लाई कर देता है और उसकी वो अपनी कंसल्टेंसी फीस चार्ज कर लेता है. दैट इज हियर. नंबर 3, द पार्ट टाइम डायरेक्टर में ऑल्सो कम टू द ऑफिस ऑफ द कंपनी ऑन द रेगुलर इंटरवल्स वंस इन अ वीक. उसको हम हर हफ्ते बुलाते हैं कि सर आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है एवरी सैटरडे, सैटरडे को शाम को 4 से 6 2 घंटे निकाल कर आ जाया करो. और हमारे लीगल डिपार्टमेंट में, सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट में जो कंपनी सेक्रेटरी सब कुछ मैनेज कर रहा है, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स पूरे हफ्ते के 2 घंटे उस पर नजर मार लिया करो कि उसमें कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, कुछ इंप्रूवमेंट तो नहीं करनी. और वो जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, बहुत सीनियर हैं, एज इज 78 ईयर्स 79 ईयर्स. वो आते हैं और आते ही वो कहते हैं लाओ भी सारे डॉक्यूमेंट्स रख दो मेरे सामने. और 2 घंटे के अंदर उनके सामने 4000 डॉक्यूमेंट रख दो, 2 घंटे में ऐसे पलटते जाते हैं कि उन, और वो एग्जैक्टली उनको मालूम होता है कि ये जो फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है कंपनी का या जो भी लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है इसमें किस पॉइंट पे कहां प्रॉब्लम हो सकती है. तो जाकर ना उसी पॉइंट को खोलते हैं और वहां एक्चुअली देखते हैं ड्राफ्टिंग प्रॉब्लम है और फिर वो पॉइंट आउट कर देते हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर को बोलते हैं ये तुम्हारा कंपनी सेक्रेटरी नालायक है, इसको निकलवा दो, नहीं तो किसी दिन खुद भी मरेगा, तुम्हें भी मरवाएगा, खुद भी जेल जाएगा, सबको जेल लेकर जाएगा. तो वो 2 घंटे में आकर सॉर्ट आउट करके चले जाते हैं
और उसके बदले में क्या हम उनको मंथली रेमुनरेशन दे सकते हैं? एक हफ्ते में चार बार आते हैं एंड वी कैन गिव हिम मंथली रेमुनरेशन. तो लॉ में लिखा हुआ है 197 में लिखा हुआ है कि हम पार्ट टाइम डायरेक्टर को भी मंथली रेमुनरेशन देना चाहें तो दे सकते हैं, अलाउड है. तो पार्ट टाइम डायरेक्टर को हम तीन चीजें क्या दे रहे हैं? बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए सिटिंग फीस दे रहे हैं, और कंसल्टेंसी ले रहे हैं तो कंसल्टेंसी फीस दे रहे हैं, और मंथली रेमुनरेशन भी दे सकते हैं अगर वो महीने में दो बार चार बार आते हैं और थोड़ा बहुत टाइम अपना देकर जाते हैं, तो वी कैन गिव हिम मंथली रेमुनरेशन ऑल्सो. अच्छा, अगर पार्ट टाइम डायरेक्टर हमारी कंपनी में, एक मिनट के लिए मान लीजिए, जिनको हमने पार्ट टाइम डायरेक्टर अपॉइंट किया उनकी गुडविल बहुत ज्यादा है और हमारी कंपनी अभी पैदा हुई है, थोड़ा बहुत नाम फैलना शुरू हो गया हमारी कंपनी का और लोग जानना शुरू कर चुके हैं हमारी कंपनी को, थोड़ा बहुत नाम फैल गया है, लेकिन फिर ऑल ऑफ ए सडन हमने कोई बहुत हाईली रेप्यूटेड पार्ट टाइम डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया, लेट अस से रतन टाटा, और हमारी कंपनी है स्विगी या फूड पैंडा, यू अंडरस्टैंड दैट. थोड़ा बहुत नाम लोगों ने, थोड़ा बहुत नहीं अभी काफी जान लिया है, लेकिन अब जैसे ही न्यूज आती है ना स्विगी ने या फूड पैंडा ने, रतन टाटा को हमने यहाँ डायरेक्टर अपॉइंट किया और रतन टाटा मान गए और डायरेक्टर बन गए, क्या कंपनी की गुडविल एकदम से बढ़ जाएगी? और क्या कंपनी को बैंक लोन वगैरह लेने में भी आसानी हो जाएगी, बिजनेस एक्सपेंशन में आसानी हो जाएगी कि भाई रतन टाटा कंपनी में डायरेक्टर बन गए हैं? अब रतन टाटा कहते हैं मैं साल में चार बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए भी नहीं आ सकता, एक अटेंड कर लूंगा बस, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी कंपनी में बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए, साल में एक बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए जाया करूंगा, कंसल्टेंसी देने के लिए टाइम है नहीं, और ये एक महीने में चार बार आने के लिए भी कोई टाइम नहीं है. हमने फिर भी उनको अपॉइंट कर लिया. अच्छा, हम उनको एक एनुअल पैकेज फिक्स कर देते हैं, सर आपका एनुअल पैकेज है 2 करोड़ रुपए, एनुअल रेमुनरेशन 2 करोड़, आप अपॉइंट हो गए हो ना हमारी कंपनी में, आपकी गुडविल मिल गई हमें, आपकी गुडविल मिलने से क्या हुआ? वेल, बैंक लोन्स आसानी से मिल रहे हैं, बैंक लोन आसानी से मिल रहे हैं और बिजनेस एक्सपेंशन फटाफट हो रहा है और आपकी वजह से हमारा बिजनेस फैलता जा रहा है, तो हम आपकी गुडविल की वजह से आपको 2 करोड़ रुपए का एनुअल पैकेज देना चाहते हैं. दे सकते हैं पार्ट टाइम डायरेक्टर को 2 करोड़ रुपए और साल में सिर्फ एक बार आएंगे वो शक्ल दिखाने के लिए, एक बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए, वो भी इसलिए कि नहीं आएंगे तो ऑफिस वेकेट हो जाता है, लॉ में लिखा हुआ है, दैट इज देयर. तो मतलब केस टू केस बेसिस, दैट इज केस टू केस बेसिस. अब नीचे एक छोटी सी चीज, यहां पर लॉ मेकर ने रूल 2 सब रूल 1 क्लॉज के ऑफ कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल रूल्स 2014 में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की एक डेफिनेशन दी है और उसमें लिखा है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मींस होल टाइम डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर मींस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. तो कहने से एक ही चीज के दो नाम है, होल टाइम डायरेक्टर इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज होल टाइम डायरेक्टर. वैसे हम बोलने के लिए बोलते हैं कि जो डायरेक्टर कंपनी में एज एग्जीक्यूटिव काम करता है ना वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, बोलने के लिए हम कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसा बोलते हैं, लॉ मेकर ने लॉ में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन हम कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसा बोलते हैं कि जो डायरेक्टर कंपनी में एज एग्जीक्यूटिव काम करता है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है. और एज एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, कंपनी में पूरा दिन एज एग्जीक्यूटिव भी काम करता है एंड द कंपनी सेक्रेटरी इटसेल्फ इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन द कंपनी. बात समझ में आ रही है? तो उसको बोलेंगे ही इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कम विल दैट इज विल कंपनी सेक्रेटरी. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है, होल टाइम डायरेक्टर भी है और प्लस कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी भी है. और बहुत सारी कंपनीज करती हैं ऐसा, बहुत सारी कंपनीज हैं जहां पर आपको दिखेगा कि कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन द कंपनी. तो मतलब नॉट इनिशियली, शुरू में जॉब ज्वाइन करते ही नहीं होगा, लेकिन आपको कंपनी में काम करते हुए 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अल्टीमेटली वो एक स्टेटस आ जाता है कि चलो आप और कंपनी के साथ आप लॉन्ग टर्म कंटिन्यू कर रहे हो और ऐसा भी नहीं कि आप एक जगह से जॉब स्विच करके दूसरी जगह भाग रहे हो और आगे आपका कहीं भागने का इरादा लग भी नहीं रहा है, तो आपका वो सिंसियरिटी और फेथ एलिमेंट दिख रहा है कंपनी में, तो आपको कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया जाता है और फिर क्या बन जाते हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कम कंपनी सेक्रेटरी. डेजिग्नेशन में भी लिख दिया जाता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कम कंपनी सेक्रेटरी. फिर वो कंपनी सेक्रेटरी जब बोर्ड मीटिंग में बैठेगा तो वो डबल रोल प्ले करेगा. क्या डबल रोल प्ले करेगा? एज कंपनी सेक्रेटरी और एज डायरेक्टर. एज कंपनी सेक्रेटरी वो बोर्ड मीटिंग का नोटिस भेजना, एजेंडा भेजना, बोर्ड मीटिंग में सबको सिटिंग फीस का चेक देना, सबको सिटिंग फीस का चेक देना, और एज कंपनी सेक्रेटरी चेयरमैन की हेल्प करना इन द बोर्ड मीटिंग, चेयरमैन ऑफ द कंपनी की हेल्प करना जहां पर भी उनको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए वो क्लैरिफिकेशन वगैरह, तो और उनको असिस्ट करना, चेयरमैन को असिस्ट करना इन द बोर्ड मीटिंग, और एज डायरेक्टर डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना और शो ऑफ हैंड्स में वोटिंग में पार्टिसिपेट करना. तो ही इज गोइंग टू प्ले द डबल रोल इनसाइड द बोर्ड मीटिंग इन दैट केस.
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड डू रिमेम्बर सो फार एज एग्जाम्स आर कंसर्न हम सीधा सीधा बोल देते हैं एवरी होल टाइम डायरेक्टर इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एवरी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज होल टाइम डायरेक्टर तो फिर पार्ट टाइम डायरेक्टर को क्या बोलेंगे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पार्ट टाइम डायरेक्टर को क्या बोलेंगे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आगे बढ़ते हैं इनसाइड डायरेक्टर्स अब ये इनसाइड डायरेक्टर मतलब क्या इनको कंपनी के अंदर बिठाते हैं और आउटसाइड को बाहर पटरी पे बिठाते हैं नॉट एग्जैक्टली इनसाइड डायरेक्टर भी कंपनीज एक्ट में डिफाइंड नहीं है लेकिन इन जनरल जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग बोलती है वो ये बोलती है इनसाइडर डायरेक्टर कौन है जो कंपनी का एम्प्लॉई है ऑफिसर है स्टेक होल्डर है कंपनी में ये लोग कंपनी के इनसाइड डायरेक्टर हैं मतलब वो पहले से कंपनी का एम्प्लॉई है या ऑफिसर है या स्टेक होल्डर है तो उनको इनसाइड डायरेक्टर बोल दिया जाता है और इनको यस मैन भी बोला जाता है दे आर कॉल्ड यस मैन क्यों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना वो किसी ऐसे एम्प्लॉई को ऑफिसर को या स्टेक होल्डर को चुनेंगे जो हर बात में हाँ मिलाता है जो कभी ना नहीं बोलता जो हर बात में हाँ मिलाता है और इसका फायदा क्या होगा बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करने में आसानी होगी जो पॉजिटिव वोट चाहिए वो आराम से मिल जाएंगे तो हाँ में हाँ मिलाने वाले लोगों को इनसाइड डायरेक्टर्स बना लिया जाता है और वेल यसमैन जो शब्द है मैं कहूंगा वो यसमैन वर्ड जो है ना वो इंग्लैंड में ज्यादा यूज होता है मतलब जिसको आप जैसे चाहे नचालो जिसको आप जैसे चाहे नचालो अमेरिका में यसमैन नहीं कहते अमेरिका में कहते हैं बेस्ट बडीज अमेरिका में कहते हैं बेस्ट बडीज क्लब इंडिया में भी कुछ कहते हैं इंडिया में कहते हैं गिनी पिग्स जिसको गोल्ड की गिनी दो तो वो पिक की तरह सर हिलाएगा ऐसे लेफ्ट राइट कभी नहीं हिलाएगा ऊपर से नीचे वेल टॉप टू बॉटम हिलाएगा तो गिनी पिग्स यहां पर गिनी क्या दे रहे हैं हम गोल्ड की गिनी नहीं दे रहे हैं क्या दे रहे हैं उसको 1 लाख का चेक तो जो 1 लाख का चेक दे रहे हैं वेल दैट इज एग्जाम में मत लिखाना ये बातें नॉट फॉर राइटिंग इन द एग्जाम डायग्राम बना देंगे सर डोंट डू दैट हाँ तो इनसाइड डायरेक्टर कौन है जो हर बात में हामे हाँ मिलाते हैं जिनको यस मैन या बेस्ट बडीज या गिनी पिग्स कहा जाता है ऐसे लोग ढूंढे जाते हैं ताकि बोर्ड मीटिंग में और फायदा क्या होगा हमारी बोर्ड मीटिंग में कुछ नॉमिनी डायरेक्टर बैठे हैं लेंडिंग बैंक की तरफ से हमने बैंक लोन लिया हुआ है और नॉमिनी डायरेक्टर बैठे हैं और वो जो नॉमिनी डायरेक्टर्स हैं वो तलवारें लेकर बैठे हैं हम ये रेजोल्यूशन पास नहीं होने देंगे हम ये रेजोल्यूशन पास नहीं होने देंगे और ये जो यस मैन बीच में बैठे हैं ये उनको भी समझा रहे हैं उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पॉजिटिव वोट भी दे रहे हैं ताकि रेजोल्यूशन आराम से पास हो जाए That is why they are sitting here. Outside director कौन? Everybody who is other than inside director. Inside director के अलावा जितने हैं वो सारे outside directors. अब outside directors क्यों appoint किए जाते हैं? पहला कारण, पहला reason, professional qualification and experience. Professional qualification and experience is very high. आज की तारीख में आप देख लो कोई भी कंपनी उठाकर आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टाटा ग्रुप जिनको चेयरमैन अपॉइंट किया गया है ही इज नॉट रिलेटिव ऑफ रतन टाटा इन्फोसिस में जिनको सीईओ अपॉइंट किया गया डायरेक्टर अपॉइंट किया गया ही इज नॉट रिलेटिव ऑफ नारायण मूर्ति प्रोमोटर्स की प्रोमोटर फैमिली से कोई लेना देना नहीं है इंदिरा नुई ने अभी रिजाइन कर दिया है रिटायर हो गई है इंदिरा नुई वॉज सीईओ चेयरपर्सन ऑफ पेप्सिको फूड्स तो अभी एक एग्जांपल और ले सकते हैं दैट सत्या नाडेला सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट देन गूगल में सुंदर पिचाई हाँ तो ही इज नॉट सुंदर पिचाई इज नॉट रिलेटिव ऑफ द गूगल प्रमोटर्स ये सब लोग क्यों अपॉइंट हो रहे हैं वो टॉप लेवल पे क्यों अपॉइंट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस That's why they are getting appointed. तो एक तो ये रीजन है आउटसाइड डायरेक्टर्स को क्यों बुलाया जाता है उनके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की वजह से उनके एक्सपीरियंस की वजह से और उनके ऊपर भरोसा है कि वो कंपनी के बिजनेस को और ऊपर लेकर जाएंगे और ऊपर उठाएंगे दूसरा है ग्लोरिफिकेशन ऑफ बोर्ड करने के लिए तो इसमें एक दो एग्जाम्पल लेना चाहूंगा अमिताभ बच्चन ऐश्वर्या राय एंड वेल बिपाशा बसु अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ सहारा इंडिया जब सहारा इंडिया के बहुत अच्छे दिन थे और जब डिफॉल्ट नहीं किया था सुब्रता रॉय ने जब डिफॉल्ट नहीं किया था तब की बातें हो रही हैं अब एनुअल जनरल मीटिंग में सोच के देखो एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है और ऑडिटोरियम के अंदर सामने वो 1000 शेयर होल्डर बैठे हैं 1000 शेयर होल्डर्स और सामने
स्टेज के ऊपर कौन बैठी हैं? ऐश्वर्या राय, विपाशा बसु, अमिताभ बच्चन, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और जो 10-12 डायरेक्टर जो एक्चुअली बिजनेस चला रहे हैं वो भी बैठे हैं, लेकिन उनकी शक्लें कोई नहीं पहचानता, उनको शक्ल से कोई नहीं जानता। और जो सामने शेयर होल्डर्स बैठे हैं 1000 शेयर होल्डर्स, वो किसको पहचान रहे हैं? ओहो, मजा आ गया। मतलब अमिताभ बच्चन बैठे हैं इसलिए मजा आ गया। तो मतलब क्यों अपॉइंट किया जा रहा है इनको, जबकि ये पूरा साल बोर्ड मीटिंग्स में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं, फिर भी क्यों अपॉइंट किया जा रहा है? ग्लोरिफिकेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और सामने जो शेयर होल्डर्स बैठे हैं वो कोरिलेट कर बैठे हैं कि चलो हम बाकियों की शक्लें नहीं पहचानते लेकिन हम एक दो को तो पहचानते हैं। एंड देन लता मंगेशकर अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ B4U म्यूजिक लिमिटेड। अब वो एट द एज ऑफ 86 ईयर्स वो बोर्ड मीटिंग में अगर आती भी हैं, बैठती भी हैं, तो वो बिजनेस स्ट्रैटेजीज में तो वो कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करती, तो क्या होता होगा? मतलब बोर्ड मीटिंग में आई बैठी फिर क्या कॉन्ट्रीब्यूट करती होंगी? गाना सुना दो। तो बोर्ड मीटिंग में ब्रेक लिया, मैडम एक अंतरा हो जाए, एक मुखड़ा हो जाए, एक या जो भी है। बट नाउ द थिंग इज, ओनली थिंग इज कि जब ये लोग आकर शेयर होल्डर्स के सामने बैठते हैं, 1000-2000 शेयर होल्डर्स के सामने बैठते हैं, तो एकदम से शेयर होल्डर्स रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि कोई तो है जिसको हम जानते हैं, किसी को हम पहचानते हैं। तो ग्लोरिफिकेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लाइजनिंग कैपेबिलिटी का क्या है ना, जो रिटायर्ड बैंकर्स हैं उनको बुलाकर अपॉइंट किया जाता है। किसी बैंक के चेयरपर्सन है, रिटायर्ड बैंकर्स हैं, उनको बुलाया जाता है कि आओ हमारी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट हो जाओ। इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैं, उनको बुलाया जाता है आओ हमारी कंपनी में अपॉइंट हो जाओ। कस्टम्स एक्साइज अथॉरिटीज हैं, कोई DDA से रिटायर्ड है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से, कोई गाजियाबाद में गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से रिटायर्ड है या नोएडा में रिटायर्ड है, तो ये जो अथॉरिटीज से रिटायर हो रहे हैं ये लोग, इनको बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जा रहा है इनको? बैंकर्स को, इनकम टैक्स अथॉरिटीज को। क्यों बैंकर को क्यों अपॉइंट किया जा रहा है कंपनी में? लाइजनिंग का मतलब रिलेशनशिप, हाँ इन लोगों के रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है। बैंकर को अपॉइंट करने का फायदा, फ्यूचर में लोन्स चाहिए होंगे तो जो रिटायर्ड बैंकर है उसकी 10-12 बैंक्स में जान पहचान है, अभी हम बात कर ही रहे थे चाचा जी। देन इनकम टैक्स अथॉरिटीज को, रिटायर्ड इनकम टैक्स अथॉरिटीज को बुलाकर अपने यहां अपॉइंट किया जा रहा है, क्यों? रेड पड़ेगी तो ये लोग सामने खड़े हो जाएंगे हमारा रक्षा कवच बन के कि देखो हम ही खड़े हैं। या जब इनकम टैक्स का कोई क्लेम सेटल करवाना होगा तो ये लोग चलकर जाएंगे अंदर, और ये लोग जो सीनियर रिटायर होकर हमारे पास आए हैं, इन्हीं के जूनियर तो इनकी पोजीशन पे आकर बैठ गए हैं, तो जो सीनियर रिटायर होकर हमारे पास आ गए हैं उन्हीं के जूनियर्स उन्हीं की पोजीशन पे बैठे हैं, तो जाकर बातचीत करेंगे, जो भी क्लेम सेटल करवाना होगा सेटल करवाने में आसानी होगी। देन DDA अथॉरिटीज हैं, अगर हमारी कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, अगर हमारी कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसमें DDA अप्रूवल चाहिए या गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी अप्रूवल चाहिए, हरियाणा है तो हुडा, पंजाब है तो पूडा, अप्रूवल्स चाहिए, तो ठीक है जो भी इनके रिटायर्ड अथॉरिटीज है उनको बुलाओ, अपॉइंट करो अपने यहां पर, ताकि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कोई गड़बड़ ना हो और अप्रूवल्स आराम से मिल जाए। कंपल्शन की वजह से भी अपॉइंट करने पड़ते हैं बाहर वाले, क्यों? तो बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? नॉमिनी डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय द लेंडिंग बैंक्स, और हमने बैंक लोन लिया है तो लोन एग्रीमेंट में एक पॉइंट है कि हम लोन तभी देंगे आपको, लोन सेंक्शन लेटर आ गया, बैंक ने दे दिया लोन सेंक्शन लेटर, ये लोन सेंक्शन हो गया लेकिन लोन एग्रीमेंट अभी साइन नहीं हुआ है और लोन का पैसा अभी आया नहीं है। कंडीशन लगा दी है कि हम लोन तभी देंगे जब आप हमारे बैंक से एक नॉमिनी डायरेक्टर अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक्सेप्ट करोगे, और वो नॉमिनी डायरेक्टर आपके बोर्ड मीटिंग में आएगा, बैठा रहेगा और तलवार की तरह आपके सर पे लटका रहेगा और देखेगा कि पैसे का मिसयूज तो नहीं हो रहा है और एक विजय माल्या और तो क्रिएट नहीं हो रहा है। सो दैट इज व्हाट विल ही बी, क्या किंगफिशर एयरलाइंस वगैरह में भी नॉमिनी डायरेक्टर होते होंगे जहां इतने बड़े बड़े लोन्स हैं? होते ही हैं, उसके बावजूद भी गड़बड़ियां हो जाती हैं, तो क्या नॉमिनी डायरेक्टर्स को ज्यादा विल क्या कहना चाहिए, सुपरविजन विजिलेंस बढ़ा देना चाहिए इन द बोरोइंग कंपनीज? लेकिन ये भी सच है कि नॉमिनी डायरेक्टर थ्रू आउट द ईयर तो आएगा नहीं, एक साल में वही 4 बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए बुलाएंगे या जो भी मतलब मीटिंग्स अटेंड करने के लिए बुलाएंगे उसी में ही आएगा। तो आउटसाइड डायरेक्टर्स एक बार बिना पड़े, 4 रीजन क्यों अपॉइंट किए जाते हैं? प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ग्लोरिफिकेशन, लाइजनिंग और कंपल्शन, मजबूरी में भी अपॉइंट करने पड़ते हैं। नॉमिनी डायरेक्टर का टेन्योर कितना होगा?
जब तक लोन रीपे नहीं हो जाता. नॉमिनी डायरेक्टर का टेन्योर कितना होगा? टिल द लोन इज रीपेड, जब तक लोन रीपे नहीं हो जाता. देन डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय द एनसीएलटी, जिस कंपनी में ऑपरेशन है मिसमैनेजमेंट है और जहां पर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होल्डिंग 10% वोटिंग राइट्स कंप्लेंट करते हैं टू द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. एनसीएलटी में कंप्लेंट करते हैं कि सर हमारी कंपनी में घपले हो रहे हैं, देख लो, और हमारी कंपनी के ऊपर थॉरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और पुराने फ्रॉडलेंट डायरेक्टर्स हटाकर नए डायरेक्टर अपॉइंट होने चाहिए. एनसीएलटी का इन्वेस्टिगेशन होता है और उसमें प्रूव हो गया कि एक्चुअली गड़बड़ है, फ्रॉड हो रहे हैं, तो पुराने डायरेक्टर्स को हटाकर एनसीएलटी कैन अपॉइंट न्यू डायरेक्टर्स. तो ऑन द रिसीट ऑफ द कंप्लेंट टू स्टॉप द ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट इन द कंपनी, एनसीएलटी में बाय ऑर्डर रिमूव द ओल्ड डायरेक्टर्स एंड अपॉइंट द न्यू डायरेक्टर्स, मेक द अपॉइंटमेंट ऑफ आई विल से न्यू डायरेक्टर्स हु आर रिक्वायर्ड बाय द एनसीएलटी टू रिपोर्ट टू द एनसीएलटी. वेल एनसीएलटी का ऑर्डर रहेगा उनको कि आप टाइम टू टाइम रिपोर्ट करते रहिएगा एनसीएलटी को ऑन सच मैटर्स एज द एनसीएलटी में डायरेक्ट. और ये बात कहां लिखी है? सेक्शन 242 सबसेक्शन 2 क्लॉज के. तो पुराने डायरेक्टर्स को हटाकर न्यू डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं. देन आई विल से समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकली कमिंग अप, रोटेशनल डायरेक्टर्स, नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स एंड परमानेंट डायरेक्टर्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल टॉपिक. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रोटेशनल डायरेक्टर, नॉन रोटेशनल डायरेक्टर एंड द परमानेंट डायरेक्टर्स, वी से द डायरेक्टर मीन्स रोटेशनल डायरेक्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल, रोटेशनल डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर हु इज लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, जो रिटायर होगा रोटेशन में. और अभी हम बात करेंगे रोटेशन में कैसे रिटायर होते हैं. वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड करके रिटायर होते हैं, वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड रोटेशन बनती है इनकी सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 में. देन नॉन रोटेशनल डायरेक्टर का मतलब वो डायरेक्टर जो रिटायर तो होगा लेकिन रोटेशन में रिटायर नहीं होगा. रोटेशनल कौन? जो रोटेशन में रिटायर होगा. और नॉन रोटेशनल कौन? जो रिटायर होगा लेकिन रोटेशन में नहीं. इट मीन्स अ डायरेक्टर हु इज नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, ही शेल रिटायर ऑन द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स्ड टेन्योर. उसका फिक्स्ड टेन्योर खत्म होगा और उसको हम बोलते हैं बाय इफ्लक्स ऑफ टाइम, उसका टाइम खत्म हो गया तो उसके हिसाब से रिटायर हो जाएगा. और इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर है या होल टाइम डायरेक्टर है, तो उसके लिए सेक्शन 196 में ही लिखा हुआ है द मैक्सिमम टेन्योर इज 5 years. मैक्सिमम टेन्योर इज 5 years. एमडी और डब्ल्यूटीडी के लिए सेक्शन 196 में मेंशन है मैक्सिमम टेन्योर इज 5 years. सो 5 साल का फिक्स टेन्योर है. अपॉइंटमेंट के टाइम पे बता दिया कि आपका टेन्योर 5 साल है इस दिन से इस दिन तक. डेट डेट मेंशन कर दी, फ्रॉम सो एंड सो डेट टू सो एंड सो डेट. तारीख भी मेंशन करके बता दी कि आपका टेन्योर 5 साल फिक्स्ड है, फ्रॉम सो एंड सो डेट टू सो एंड सो डेट. देन वी से द परमानेंट डायरेक्टर्स आर द डायरेक्टर्स हु आर नॉट लायबल टू रिटायर एट ऑल. ये वो लोग हैं जो रिटायर होने के लिए लायबल नहीं है. ये रिटायर नहीं होते, ये एक्सपायर होते हैं. दे डोंट रिटायर, दे एक्सपायर. जब ऊपर वाला उठा ले तो उठ गए, मतलब रिटायर तो ऑटोमेटिकली हो ही गए तब. तो दे डोंट रिटायर, दे सिंपली एक्सपायर. अच्छा, परमानेंट डायरेक्टर है लेकिन अभी पिछले दिनों में कंपनी में वर्कलोड बहुत ज्यादा था तो उस वर्कलोड की वजह से हार्ट अटैक आ गया. अभी हॉस्पिटल पहुंच गया लेकिन गुड लक कि मतलब जिंदा जिंदा बचकर वापस आ गया हॉस्पिटल से. अभी फिर कुछ दिन के बाद जब हॉस्पिटल से वापस आया, फिर एक दिन कंपनी के ऑफिस में आया और देखा कि वर्कलोड तो अभी भी उतना ही है, पहले से बढ़ गया है कुछ. तो अब दोबारा हार्ट अटैक ना आए, वो रिजाइन करना चाहता है वॉलंटियरली. परमानेंट डायरेक्टर है, कैन परमानेंट डायरेक्टर वॉलंटियरली रिजाइन? कि ऊपर जाने से अच्छा है नीचे तो रहूं, रिजाइन कर दूं नीचे तो रहूं. तो कैन ही रिजाइन वॉलंटियरली? यस. अच्छा, उसके अपॉइंटमेंट के टाइम पे, उसके अपॉइंटमेंट के टाइम पे जो रेजोल्यूशन पास किया था उसमें लिखा था कि आप परमानेंट डायरेक्टर हैं, अपॉइंटेड फॉर लाइफ, अपॉइंटेड फॉर लाइफ. लेकिन अपनी मर्जी से कोई रिजाइन करके जाना चाहता है तो जा सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है. नौ, एक बार रिपीट कर लेते हैं. तो रोटेशनल डायरेक्टर कौन? जो रोटेशन में रिटायर होता है, वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड की रोटेशन में जाता है 152 सबसेक्शन 6 में. नॉन रोटेशनल कौन? जिसका टेन्योर फिक्स्ड टेन्योर है और बता दिया कि आपका ये टेन्योर है. और नॉमिनी डायरेक्टर भी, फॉर एग्जांपल नॉमिनी डायरेक्टर, हमने बैंक लोन लिया 7 ईयर्स, 7 साल के लिए,
और बैंकर ने, लैंडिंग बैंक ने 7 साल के लिए नॉमिनल डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया था, उसका भी टेन्योर फिक्स्ड है 7 ईयर्स, जिस दिन लोन रीपे करेंगे तो रिटायर हो जाएगा. और परमानेंट डायरेक्टर कौन? हु डजंट रिटायर, हु सिंपली एक्सपायर्स. अब जो नीचे लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वेल, 152 सबसेक्शन 6 कहता है एटलीस्ट 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ पब्लिक कंपनी शैल बी रोटेशनल डायरेक्टर्स. एटलीस्ट 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन द पब्लिक कंपनी शैल बी रोटेशनल डायरेक्टर्स. अब एक चीज बहुत क्लैरिटी के साथ हमेशा याद रखिएगा, आई होप आप लोगों में से बहुतों को ऑलरेडी मालूम है, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन मालूम है? कितने लोगों को मालूम है ऑलरेडी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन? कैन आई सी द हैंड स्ट्रेट अप? चलिए 90% सबको मालूम है. कितने लोगों को नहीं मालूम है पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन टेक्निकली? कैन आई सी एनी वन हैंड? नॉट इवन वन, सबको मालूम है. तो वन हैंड इज कमिंग अप. तो आप लोगों के फायदे के लिए जिनको नहीं मालूम है मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, वो यूट्यूब के ऊपर मैंने 2 वीडियोस, एक प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन 1 आवर, एक पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन 1/2 आवर यूट्यूब पे डालकर छोड़ दिए हैं, इसीलिए कि वो टेक्निकली अंदर घुसकर समझ में आ जाएगी क्या होता है. ऊपर से पढ़ना नहीं है, अंदर घुस के एनालाइज करना है. एक लाइन रिपीट करना चाहूंगा बस, अ प्राइवेट कंपनी विच इज सबसी ऑफ पब्लिक कंपनी, अ प्राइवेट कंपनी विच इज सबसी ऑफ पब्लिक कंपनी इज deemed to be a public company. उसको मान लिया जाता है कि वो भी public company है. Whole Companies Act is applicable as if it is a public company. तो जब यहां public company बोल रहा हूं तो public company also includes a private company which is subsidiary of public company. और ये chapter नहीं, sub chapters में जब हम public company बोलते हैं तो public company also includes a private company which is subsidiary of the public company. Except कि वो prospectus और public issue और public deposits वाले जो प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं होते हैं बस. देन राइट नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, तो एटलीस्ट 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ पब्लिक कंपनी शैल बी रोटेशनल डायरेक्टर. कम से कम दो तिहाई तो रोटेशनल होने ही चाहिए. तो रिमेनिंग डायरेक्टर्स कितने बच गए अभी? ऑब्वियसली 1/3. और 1/3, अब ये जो रिमेनिंग डायरेक्टर्स 1/3 बच गए, इस रिमेनिंग में आएगा कौन 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 आएगा? परमानेंट और नॉन रोटेशनल दोनों मिलाकर 1/3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए. तो आई रिपीट दैट, ये जो रिमेनिंग डायरेक्टर्स हैं इसमें कौन कौन आ गए? नंबर 1 नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स प्लस, नंबर 2 परमानेंट डायरेक्टर्स. दोनों मिलाकर शेल नॉट एक्सीड 1/3. 1/3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, कम चलेगा ज्यादा नहीं होने चाहिए. तो रोटेशनल डायरेक्टर्स मिनिमम 2/3 और नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स और मैक्सिमम नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स और परमानेंट डायरेक्टर्स दोनों मिलाकर मैक्सिमम 1/3. तो एक तरफ बोल रहे हैं मिनिमम 2/3 और दूसरी तरफ बोल रहे हैं मैक्सिमम 1/3. क्लियर है? लेकिन फंडा किसके लिए है? पब्लिक कंपनीज के लिए. प्राइवेट कंपनीज, क्या एक प्राइवेट कंपनी में ऑल डायरेक्टर्स कैन बी परमानेंट डायरेक्टर्स फॉर लाइफ? प्राइवेट कंपनी, यस. प्राइवेट कंपनी में 5 डायरेक्टर हैं, पांचों के पांचों परमानेंट डायरेक्टर फॉर लाइफ अलाउड है. मतलब वही लाला लाली, छोटा लाला छोटी लाली, बड़े लाला जी बड़ी लाली, बट वेल परमानेंट डायरेक्टर्स फॉर लाइफ. Then talking about this example, when I am talking of public company, mein section 152 subsection 6, jab public company ki baat kar raha hu to total number of directors maan lijiye 9 hain, to 9 ka breakup kar rahe hain, minimum 2/3, that is 6 rotational directors. Fir dusri taraf balance 3 other directors, aur other mein aapko malum hai, that is non rotational and permanent milakar 9. कैन आ पब्लिक कंपनी, अब फोकस किसके ऊपर है? पब्लिक कंपनी के ऊपर. क्या एक पब्लिक कंपनी में फॉलोइंग कॉम्बिनेशन अलाउड है? येस और नो में जवाब देना है बस. तो 2/3 इज 6, 1/3 इज 3. तो कैन अ पब्लिक कंपनी हैव 6/3? एंड द आंसर इज येस. कैन अ पब्लिक कंपनी हैव 7/2? येस और नो? येस और नो? आंसर इज येस. क्यों? क्योंकि 6 जो है वो मिनिमम 6 है, वो उधर मिनिमम 2/3 है. तो 6 या 6 से ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते हैं. और इधर 3 या 3 से कम हो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं हो सकते. मैक्सिमम 1/3 है.
मैक्सिमम वन थर्ड है, तो थ्री या थ्री से कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते हैं. गेटिंग दिस? तो कहानी बड़ी सिंपल है, उधर मिनिमम टू थर्ड है, दूसरी तरफ मैक्सिमम वन थर्ड है, तो सेवन टू अलाउड है. फाइनली यस, सेवन टू अलाउड है. एट वन, यस, क्यों? सेम रीजन, सिक्स या सिक्स से ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते, और उधर थ्री या थ्री से कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते. वेल, नाइन जीरो, ये भी चलेगा. ऑल नाइन रोटेशनल, यस, चलेगा. और जीरो नॉन रोटेशनल, चलेगा. मतलब जब बोलते हैं वन थर्ड, मैक्सिमम वन थर्ड, मतलब वन थर्ड या वन थर्ड से कम, कितने भी, यहां जीरो भी हो सकते हैं, जीरो भी चलेगा. दैट विल डू. फाइव फोर, ये नहीं चलेगा. क्यों? हाँ जी, यहां वो सिक्स से कम नहीं होने चाहिए, तो और उधर थ्री से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट अलाउड. अब इसमें एक चीज और जान लीजिए, जो यहां लिखी नहीं है वो जान लीजिए. वेल, एक एडिशनल पॉइंट बताने जा रहा हूं, और वो ये, जैसे ये आपके सिक्स डायरेक्टर्स हैं रोटेशनल, अब ये रिटायर कैसे होंगे? वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड, तो टू 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 करके रिटायर होंगे. ये रिटायर कैसे होने हैं? पहले तो आपने टोटल का क्या किया, टोटल का क्या किया, टू थर्ड. टोटल का क्या किया, टू थर्ड वन थर्ड. अब टू थर्ड जो आपका आया ना रोटेशनल डायरेक्टर्स, दोज रोटेशनल डायरेक्टर्स विल रिटायर इन वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड प्रोपोर्शन, तो टू 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 करके जाएंगे. अगर आपके ये नाइन डायरेक्टर्स हैं, हाँ जी, हाँ जी, अब सेवन है तो सेवन का क्या करेंगे, वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड. सेवन का वन थर्ड आता है 2.33, और एट का वन थर्ड आता है 2.67. अभी उस फ्रैक्शन का क्या करेंगे, फ्रैक्शन का राउंडिंग ऑफ करेंगे नहीं करेंगे, उस सब में मैं अभी नहीं जा रहा हूं. आई एम नॉट टचिंग अपॉन दैट. वो जब हम सेक्शन 152 करेंगे ना, तब करेंगे. अभी मैं 152 को और डिटेल में नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन एक चीज क्लियर कर लेना चाहता हूं, एक चीज रिपीट कर लेना चाहता हूं, कि पहले टोटल का क्या करेंगे, टू थर्ड वन थर्ड, और फिर टू थर्ड का क्या करेंगे, वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड. तो पहले सिक्स का क्या करेंगे, पहले टोटल नाइन है, नाइन का क्या करेंगे, सिक्स थ्री, और फिर सिक्स का वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड, दैट इज, हाँ जी, टू टू टू, दैट इज हाउ इट इज. फिर दो तीन छोटे छोटे सवाल जो नीचे लिखे हैं वो देख लीजिएगा. वेदर अ प्राइवेट कंपनी कैन हैव परमानेंट डायरेक्टर्स, क्या एक प्राइवेट कंपनी में परमानेंट हो सकते हैं? यस. कितने हो सकते हैं? सारे. प्राइवेट कंपनी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑल डायरेक्टर्स कैन बी परमानेंट. दूसरी चीज, वेदर अ पब्लिक कंपनी कैन हैव परमानेंट डायरेक्टर्स, आंसर इज यस. कितने? विद इन द लिमिट ऑफ वन थर्ड, मतलब परमानेंट और नॉन रोटेशनल दोनों मिलाकर वन थर्ड से ज्यादा नहीं होने चाहिए. देन वेदर द परमानेंट डायरेक्टर कैन रिजाइन वॉलंटियरली, यस, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर जाने से अच्छा है नीचे रहो और रिजाइन कर दो अगर वर्कलोड नहीं झेला जा रहा. हाँ जी, इसमें टेक्निकली कुछ पूछना है कहीं, मोस्ट वेलकम. एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस फ्रैक्शन के अलावा? फ्रैक्शन के अलावा तो वन लास्ट टाइम, वन लास्ट टाइम. हाँ जी, परमानेंट डायरेक्टर्स व्हेन आई से, तो वेल अपॉइंटेड फॉर लाइफ. रोटेशनल डायरेक्टर्स मींस द डायरेक्टर्स हु रिटायर बाय रोटेशन, एंड नॉन रोटेशनल मतलब जिनका फिक्स्ड टेन्योर बोल के अपॉइंट किया है, पांच साल या सात साल या दस साल. और एमडी और डब्ल्यूटीडी के लिए हमारी बात हो ही गई कि एमडी और डब्ल्यूटीडी के लिए तो क्या है, फिक्स्ड टेन्योर इज फाइव इयर्स, और वो हम नहीं, वो लॉ मेकर ने लॉ में खुद ही बताया है 196 सबसेक्शन 2 में, मैक्सिमम फाइव इयर्स. कम हो सकता है क्या? मैक्सिमम फाइव इयर्स है, मैक्सिमम फाइव इयर्स है, क्या कम हो सकता है? 196 सबसेक्शन 2, टू बी वेरी प्रिसाइज, सबसेक्शन वाइज, तो कम भी कर सकते हैं, चार साल के लिए कर सकते हैं. ये वो ऑडिटर से अलग है, ऑडिटर का तो आपको याद होगा फिक्स्ड फाइव इयर्स था, ना कम ना ज्यादा. लेकिन डायरेक्टर में, एमडी में, होल टाइम डायरेक्टर में आपकी मर्जी है, आप रेजोल्यूशन में लिखो दो साल, तीन साल, चार साल, पांच साल, आपकी मर्जी है, दैट इज देयर. अब एक चीज आपके साथ यहां शेयर करना चाहता हूं, वेल बिफोर आई प्रोसीड ऑन फर्दर, व्हेन आई से द होल टाइम डायरेक्टर, क्या एक होल टाइम डायरेक्टर रोटेशनल डायरेक्टर हो सकता है? क्या एक होल टाइम डायरेक्टर नॉन रोटेशनल डायरेक्टर हो सकता है? और क्या एक होल टाइम डायरेक्टर
परमानेंट डायरेक्टर फॉर लाइफ हो सकता है? हाँ जी, और ऐसे ही क्या एक पार्ट टाइम डायरेक्टर, क्या एक पार्ट टाइम डायरेक्टर रोटेशनल या नॉन रोटेशनल या परमानेंट हो सकता है? दैट्स अ क्वेश्चन। हाँ जी, तो पहले होल टाइम डायरेक्टर की बात करते हैं। क्या एक होल टाइम डायरेक्टर रोटेशनल डायरेक्टर हो सकता है? एंड द आंसर इज यस। क्या एक होल टाइम डायरेक्टर नॉन रोटेशनल हो सकता है? आंसर इज यस। क्या एक होल टाइम डायरेक्टर परमानेंट डायरेक्टर हो सकता है? तो आंसर इज नो। क्यों? मैक्सिमम टेन्योर 5 साल है, सेक्शन 196 सबसेक्शन 2। तो मैक्सिमम टेन्योर कम हो सकता है, 196 सबसेक्शन 2 वो बेस बना होना चाहिए बस आपका। तो होल टाइम डायरेक्टर में भी रोटेशनल डायरेक्टर, और अगर रोटेशनल डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे ना तो फिर टेन्योर 5 साल नहीं होगा, फिर तो क्या होगा, वन थर्ड में रिटायर होगा, तो 5 साल पूरे कर ही नहीं पाएगा। वन थर्ड में जब रिटायर होगा तो 5 साल तो कंप्लीट कर ही नहीं पाएगा, पहले ही बीच में कहीं ना कहीं छुट्टी हो जाएगी। गेटिंग दिस? हाँ, आपने 5 साल बोलकर फिक्स्ड टेन्योर के लिए अपॉइंट किया है तो चलेगा। अगर आपने 5 साल बोलकर अपॉइंट किया है फिक्स्ड टेन्योर के लिए तो बिल्कुल चलेगा, दैट इज वन थिंग। सेकेंडली, अब पार्ट टाइम डायरेक्टर के लिए बात कर लेते हैं। हाँ जी, पार्ट टाइम डायरेक्टर क्या रोटेशनल डायरेक्टर हो सकता है? इज इट पॉसिबल दैट पार्ट टाइम डायरेक्टर इज रोटेशनल डायरेक्टर? एंड द आंसर इज यस, हो सकता है। क्या एक पार्ट टाइम डायरेक्टर नॉन रोटेशनल डायरेक्टर हो सकता है? हाँ जी, वंस अगेन यस। क्या एक पार्ट टाइम डायरेक्टर परमानेंट डायरेक्टर हो सकता है? आंसर इज यस। तो यहां तो तीनों में यस यस यस। अ पार्ट टाइम डायरेक्टर में भी रोटेशनल, अ पार्ट टाइम डायरेक्टर में भी नॉन रोटेशनल, अ पार्ट टाइम डायरेक्टर में भी परमानेंट। हाँ जी, कुछ कहना है, कुछ पूछना है, मोस्ट वेलकम। एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? कुछ कहना है, कुछ पूछना है, कोई छोटा मोटा सवाल, कोई बड़ा सवाल? ये समझ में आया जो सामने लिखा है? होल टाइम डायरेक्टर या पार्ट टाइम डायरेक्टर होना एक अलग चीज है, और रोटेशन में रिटायर होना या फिक्स टेन्योर के बाद रिटायर होना या अपॉइंटेड फॉर लाइफ, टेन्योर कितना होगा वो एक अलग चीज है। मतलब दो बातें हैं, एक है कि आप अपना पूरा टाइम कंपनी को देते हो या आप अपना थोड़ा सा टाइम कंपनी को देते हो। आप कितना टाइम कंपनी को देते हो, पूरा टाइम या थोड़ा सा टाइम, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है कि आप होल टाइम हो या आप पार्ट टाइम हो। आप रिटायर किस तरीके से होते हो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है कि आप फॉर लाइफ अपॉइंटेड हो या आप एक फिक्स टेन्योर के लिए अपॉइंटेड हो या आप रोटेशन में रिटायर हो रहे हो, वो एक अलग चीज है। हाँ जी, एक सवाल पूछा गया कि सर पार्ट टाइम डायरेक्टर को परमानेंट डायरेक्टर फॉर लाइफ क्यों अपॉइंट कर रहे हैं, इसका भी तो एक फिक्स टेन्योर होना चाहिए। अब लॉ मेकर ने कोई फिक्स टेन्योर रखा नहीं है, 1 साल में 4 बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए आना है, इवन एट द एज ऑफ 85 ईयर्स, 90 ईयर्स, 98 ईयर्स, 1 साल में 4 बार तो आ ही सकता है, और वो भी नहीं आ पाएगा तो कोई बात नहीं, मतलब साल में 2 अटेंड कर लेगा। मतलब फिलहाल मैं एक चीज कंफर्टेबली यहां क्लैरिफाई कर दूं कि पार्ट टाइम डायरेक्टर्स के लिए लॉ मेकर ने कोई फिक्स टेन्योर रखा है नहीं। तो क्योंकि कोई फिक्स टेन्योर नहीं रखा है पार्ट टाइम डायरेक्टर्स के लिए, तो पार्ट टाइम डायरेक्टर्स कैन बी अपॉइंटेड फॉर लाइफ। पूरे कंपनी लॉ में कोई सेक्शन ही नहीं है जहां पर पार्ट टाइम डायरेक्टर्स का टेन्योर बताया होगी, उसका टेन्योर क्या होता है। होल टाइम डायरेक्टर के लिए तो है मालूम है 5 साल, तो पार्ट टाइम डायरेक्टर। अच्छा, अब एक चीज आप मुझे ये बताइएगा, आप कंपनी में नए नए कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट होते हो या आप फर्स्ट टाइम आप ट्रेनिंग करने के लिए कंपनी में जाते हो, जब आप ट्रेनिंग करने के लिए कंपनी में जाते हो आपके सामने 15 डायरेक्टर हैं, 15 डायरेक्टर्स, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन रोटेशनल है, कौन नॉन रोटेशनल है, कौन परमानेंट है, आपको कैसे पता चलेगा? उसके माथे पे लिखा होगा। अच्छा, ये देखेंगे कि वो डेली आ रहा है या नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर वो होल टाइम है, डेली आता है,
फिर आप कैसे पता करोगे कि वो रोटेशनल है या नॉन रोटेशनल है? एक ऐसा डायरेक्टर है जो रोज आता है, ये कैसे पता करोगे वो रोटेशनल है या नॉन रोटेशनल है? सर उससे पूछ लेंगे, उसी से पूछ लेंगे, सर आप क्या हो, रोटेशनल हो या नॉन रोटेशनल हो? एक एक को पकड़ पकड़ कर पूछते रहेंगे, सर आप क्या हो? तो वो पूछेंगे तुम क्या चीज हो, तुम कौन से खेत की मूली हो जो पूछ रहे हो? लीगल डॉक्यूमेंट्स में से कैसे पता चलेगा, लीगल डॉक्यूमेंट्स में से कैसे पता चलेगा कि वो क्या है? उसको अपॉइंट करने के लिए जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, उस रेजोल्यूशन की लैंग्वेज में देखना पड़ेगा, उस रेजोल्यूशन की लैंग्वेज में देखना पड़ेगा कि वो क्या है। वो 152 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए में अपॉइंट हुआ है तो वो रोटेशनल डायरेक्टर है। वो 152 सबसेक्शन 6 क्लॉज बी में अपॉइंट हुआ है तो वो नॉन रोटेशनल डायरेक्टर है। रोटेशनल डायरेक्टर्स के लिए क्लॉज ए, नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स के लिए क्लॉज बी। और उसके वेल रेजोल्यूशन में लिखा है कि उसका टेन्योर 5 साल है या उसका टेन्योर 10 साल है, जो भी लिखा है। पार्ट टाइम डायरेक्टर है, कैन द पार्ट टाइम डायरेक्टर वन शॉट बी अपॉइंटेड फॉर 10 ईयर्स? होल टाइम डायरेक्टर तो 5 ईयर्स। कैन द पार्ट टाइम डायरेक्टर बी टोल्ड कि सर वन शॉट, आपका सिंगल टेन्योर 10 साल है? पार्ट टाइम डायरेक्टर के लिए यस, लॉ इज साइलेंट। और क्या पार्ट टाइम डायरेक्टर को यह भी बोल सकते हैं सर यू आर अपॉइंटेड फॉर लाइफ? तो वो भी 152 सबसेक्शन 6 क्लॉज बी में ही है, वेल दैट परमानेंट डायरेक्टर अपॉइंटेड फॉर लाइफ टाइम। तो वो लैंग्वेज देखनी पड़ेगी और उसमें रेजोल्यूशन में लैंग्वेज क्या है, 5 साल 10 साल। अच्छा एक चीज और है यहां पर, अगर रेजोल्यूशन में लिख रहे हैं 5 साल 10 साल का टेन्योर है, तो चलो 5 साल 10 साल का टेन्योर है। अगर रेजोल्यूशन में लिखते हैं अपॉइंटेड फॉर लाइफ तो परमानेंट है। अगर रेजोल्यूशन में लिखा है, कुछ लिखा लिखा ही नहीं, भूल गए, क्लॉज बी में रेजोल्यूशन पास किया है लेकिन टेन्योर मेंशन करना भूल गए, नो टेन्योर स्पेसिफाइड, तो क्या माने? प्रज्यूम परमानेंट डायरेक्टर। 152 सबसेक्शन 6 क्लॉज बी में अपॉइंट किया है तो या तो नॉन रोटेशनल होगा या परमानेंट होगा। टेन्योर लिख दिया है फिक्स्ड तो नॉन रोटेशनल है, टेन्योर लिखना भूल गए तो प्रज्यूम परमानेंट, नो टेन्योर स्पेसिफाइड। No tenure is specified. तो presume permanent. हाँ जी सवाल पूछा गया सर only part time directors, क्या सिर्फ part time director ही permanent director बन सकते हैं और कोई नहीं बन सकता? तो whole time तो नहीं बन सकता और MD भी नहीं बन सकता। हाँ जी, अब एक सवाल पूछा गया है सर, मुकेश अंबानी अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में डायरेक्टर है तो इसका मतलब मुकेश अंबानी परमानेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता? आज की तारीख में 2018 में अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में कोई नया डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है, होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है या मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है, तो मैक्सिमम टेन्योर 5 ईयर्स लॉ मेकर ने क्लियर कट लिखा है लॉ में, सोचने वाली बात ही नहीं है। लेकिन एक चीज बता दूं, आपने पॉइंट थोड़ा सा जल्दी उठा लिया, ये पॉइंट मैं बहुत डिटेल में लेने वाला हूं। ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 जब था तब होल टाइम डायरेक्टर्स के लिए कोई टेन्योर नहीं था, लॉ वाज साइलेंट। ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 में मैनेजिंग डायरेक्टर का टेन्योर 5 साल तब भी था, 5 साल अब भी है न्यू कंपनीज एक्ट में, लेकिन ओल्ड कंपनीज एक्ट में होल टाइम डायरेक्टर्स का कोई टेन्योर नहीं था और न्यू कंपनीज एक्ट में होल टाइम डायरेक्टर्स के लिए टेन्योर है 5 ईयर्स। तो मुकेश अंबानी साहब होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में जब ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 चल रहा था, और जब वो होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे उस जमाने में तो वो परमानेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो गए थे, होल टाइम डायरेक्टर बट परमानेंट डायरेक्टर फॉर लाइफ, क्योंकि तब उस जमाने में होल टाइम डायरेक्टर्स के लिए लॉ वॉज साइलेंट, कोई टेन्योर था नहीं, तो अपॉइंटेड फॉर लाइफ परमानेंट डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर का टेन्योर तब भी 5 साल था, मैनेजिंग डायरेक्टर का टेन्योर अभी 5 साल है, दैट इज देयर। मतलब एज एमडी तो आपका टेन्योर 5 साल है, उसके बाद आप रीअपॉइंट हो जाओ 5 ईयर्स, फिर 5 ईयर्स 5 ईयर्स 5 ईयर्स 5 ईयर्स, इनफाइनाइट रीअपॉइंटमेंट एज एमडी फॉर, बट ईच अपॉइंटमेंट फॉर 5 ईयर्स, और जिस दिन आपका टेन्योर खत्म हो रहा है सेम डे आप अगले 5 साल के लिए अपॉइंट हो जाओ। तो मैं आऊंगा इस डिस्कशन पे एक बार और, अभी मैनेजिंग डायरेक्टर की डेफिनेशन करने के बाद आऊंगा।
एमडी आपने पॉइंट उठा लिया, अच्छा किया, लेकिन इसको और इलेबोरेट करेंगे आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ एमडी दैट इज हियर. तो पार्ट टाइम डायरेक्टर्स कैन बी अपॉइंटेड फॉर लाइफ, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ जी, अब आपको कुछ कहना है, पूछना है, मोस्ट वेलकम. कोई छोटा मोटा सवाल, कोई बड़ा सवाल, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस. समझ में आ गई कहानी यहां तक? देन द डेफिनेशन ऑफ एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्शन 2 क्लॉज 54. द सेक्शन 2 क्लॉज 54 द डेफिनेशन ऑफ एमडी एंड एमडी मींस. और अब मैं कहूंगा यहां से इस डेफिनेशन वाले पार्ट में, चैप्टर में थोड़ा सा लेवल अब हमारा ऊपर की तरफ जाएगा. व्हेन वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एमडी, द डेफिनेशन ऑफ द मैनेजर, तो टेक्निकली वी आर गोइंग ऑन द हायर स्केल, ऑन द हायर लेवल. नाउ एमडी की डेफिनेशन बहुत ध्यान से पड़ेगा. एमडी मींस अ डायरेक्टर. तो सबसे पहली लाइन तो ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में, एमडी मींस अ डायरेक्टर. एमडी तो आप बाद में बनोगे, पहले तो आपको डायरेक्टर होना जरूरी है. एमडी बनने के लिए पहली कंडीशन तो क्या है? डायरेक्टर होना चाहिए. तो एमडी मींस अ डायरेक्टर हु बाय वर्च्यू ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, बोले तो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी, और बाय वर्च्यू एन एग्रीमेंट विद द कंपनी. कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है, और एग्रीमेंट किसके साथ साइन हुआ है? विद द कंपनी, कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है, उस एग्रीमेंट के थ्रू अपॉइंट हो रहा है, या फिर जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन या फिर बोर्ड रेजोल्यूशन. तो यहां पर पहली चीज तो आपको यह बता दी गई, एमडी अपॉइंट करने के चार तरीके हैं. एमडी चार तरीके से अपॉइंट हो सकता है. कौन से चार तरीके से? नंबर 1 बाय आर्टिकल्स, नंबर 2 बाय एग्रीमेंट विद द कंपनी, नंबर 3 द जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन, नंबर 4 द बोर्ड रेजोल्यूशन. एमडी अपॉइंट करने के चार तरीके हैं, दैट इज फर्स्ट थिंग. अच्छा, एग्रीमेंट हो रहा है कंपनी के साथ, क्या ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट हो सकता है? मतलब इसमें, इस एग्रीमेंट में दो पार्टीज कौन है? एक तरफ कंपनी है, दूसरी तरफ एमडी है, और जो एग्रीमेंट है उसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट. कैन इट बी द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट? आंसर इज यस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट हो सकता है. एंड देन ही इज इंटरेस्टेड. अब इंपॉर्टेंट चीज लैंग्वेज क्या है? एमडी वो डायरेक्टर है जिसको इंटरेस्ट किया गया है विद द सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. एमडी इज इंटरेस्टेड विद द सब्सटेंशियल पावर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. और एंड इंक्लूड्स मैं अभी नहीं पढ़ना चाहूंगा, लेकिन अभी तक जो समझ में आया है वो ये समझ में आया है अभी तक कि एमडी मींस अ डायरेक्टर हु इज वेस्टेड विद द सब्सटेंशियल पावर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड ही इज अपॉइंटेड बाय 4 मेथड्स. अब मेरा एक सवाल है आपके लिए, और वो सवाल ये है, एमडी ये कहता है कि मैं डायरेक्टर की पोस्ट से रिजाइन कर रहा हूं और मैं एज एमडी कंटिन्यू करूंगा, कर सकता है? एमडी क्या बोल रहा है कि मैं डायरेक्टर की पोस्ट से रिजाइन कर रहा हूं और मैं एज एमडी कंटिन्यू करता रहूंगा. कैन ही डू दैट? यस और नो? नो. क्यों? एमडी होने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी है, लेकिन वो उल्टा करता है और कहता है मैं एमडी की पोस्ट से रिजाइन कर रहा हूं और मैं एज डायरेक्टर कंटिन्यू करता रहूंगा. यस यस, डायरेक्टर होने के लिए एमडी होना जरूरी नहीं है, लेकिन एमडी होने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी है. क्लियर है? दैट इज क्लियर. और यही चीज नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखी भी है. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2. Whether a person can continue as MD if he ceases to be director of the company, and the answer is no. It is a prerequisite to be a director for being MD. And whether a person can continue as ordinary director if he ceases to be MD, and the answer is yes. It is not a prerequisite to be MD for being a director. As ordinary director, आप continue कर सकते हैं. अब मेरा एक सवाल और है, ध्यान से सुनिएगा. हमारी कंपनी में 5 डायरेक्टर हैं और वो 5 डायरेक्टर रेजोल्यूशन पास करके एक डायरेक्टर को एमडी बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं? एमडी अपॉइंट करने के चार तरीके हैं और उसमें से एक तरीका क्या है? बाय बोर्ड रेजोल्यूशन, अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय पासिंग द बोर्ड रेजोल्यूशन. तो बोर्ड मीटिंग में, हमारी कंपनी में 5 डायरेक्टर हैं और वो 5 डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में बैठते हैं, रेजोल्यूशन पास करते हैं कि हम 5ों में से हम एक को सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट दे रहे हैं और उसको हम एमडी बना रहे हैं. अब हम क्या कहें, कंपनी में 5 डायरेक्टर के 5 ही हैं, 5 के 6 हो गए, 5 5 ही हैं या 6 हो गए, एक एमडी, या अभी भी 5 हैं? अभी भी 5 हैं,
छह नहीं हो गए, स्टिल फाइव, स्टिल फाइव, दे हैव नॉट बिकम सिक्स, क्लियर है। और एक चीज सही है कि वो जो पांच ऑफिस हैं, पांच डायरेक्टरशिप्स थी, उसमें से एक डायरेक्टर के ऑफिस में हमने सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट ऊपर से जोड़ दिए हैं, उसमें अटैच कर दिए, एड ऑन कर दिया है। एक डायरेक्टर के ऑफिस में हमने सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट एड ऑन कर दिया, लेकिन वो ऑफिस दो नहीं है, वो ऑफिस दो अलग अलग ऑफिस नहीं, ऑफिस तो एक ही है, और पांच डायरेक्टर अभी भी पांच ही हैं, छह नहीं बने, क्लियर है ना, दैट क्लैरिटी शुड बी देयर। तो एमडी अपॉइंट करने के, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, एमडी अपॉइंट करने के चार तरीके कौन से हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एग्रीमेंट, जल मीटिंग रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन, चार तरीके हैं एमडी अपॉइंट करने के। एंड देन वी आर सेइंग वन मोर थिंग एडिंग ऑन इनटू दिस, एमडी आल्सो इंक्लूड्स, अब डेफिनेशन ना दो पार्ट्स में दिए लॉ मेकर ने, एक है एमडी मींस और दूसरा है एमडी इंक्लूड्स, तो डेफिनेशन इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, पार्ट वन मींस, पार्ट टू इंक्लूड्स। एमडी इंक्लूड्स अ डायरेक्टर ऑक्यूपाइंग द पोजिशन ऑफ डायरेक्टर बाय वट एवर नेम कॉल्ड, एमडी मींस अ डायरेक्टर ऑक्यूपाइंग द पोजिशन ऑफ एमडी, जो भी एमडी की पोजिशन में बैठा है उसको एमडी मान लिया जाएगा बाय वट एवर नेम कॉल्ड। अब मैं उसको नेम देता हूं प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, हां जी, क्या उसको एमडी मान लिया जाएगा अगर मैं उसको नेम देता हूं? लेकिन उसको पावर एमडी वाली दी हुई है, और प्रेसिडेंट को क्या पावर दी हुई है? सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट दी हुई है, तो क्या इसको भी एमडी मान लिया जाएगा? यस। क्या हमें आरओसी को बताना पड़ेगा, क्या हमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को बताना पड़ेगा कि ये जो प्रेसिडेंट है ये प्रेसिडेंट नहीं है, ये एमडी है? क्या हमें बताना पड़ेगा? यस, बताना पड़ेगा। और वो कैसे बताएंगे? जब फॉर्म MR1 फाइल होगा, जब फॉर्म DIR 12 फाइल होगा जिसमें डिटेल जाती है, तो उसमें डेजिग्नेशन बतानी होती है, वहां तो आप एमडी की डेजिग्नेशन ही चूज करेंगे। जब फॉर्म DIR 12 फाइल करेंगे तो उसमें डेजिग्नेशन बताना पड़ता है, जब फॉर्म MR1 फाइल करेंगे एमडी अपॉइंट करने का तो भी आप डेजिग्नेशन बताएंगे। तो उस फॉर्म के अंदर तो आपको डेजिग्नेशन प्रेसिडेंट नहीं लिखनी, वहां पर आपको प्रेसिडेंट लिखने की ऑप्शन भी नहीं मिलेगी, उसमें तो स्क्रॉल बार आएगा, स्क्रॉल बार में आपको चूज द डेजिग्नेशन, तो क्या डेजिग्नेशन चुनेंगे? एमडी। तो अथॉरिटीज को तो आप बताएंगे कि भाई ये हमारी कंपनी में हम इसको एमडी बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली तो ये क्या है, हमारी कंपनी में प्रेसिडेंट बोल रहे हैं लेकिन एक्चुअली में एमडी है। तो फॉर्म DIR 12 और ऊपर ऊपर देखिएगा टाइटल क्या है DIR 12 का, पर्टिकुलर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सन इंक्लूडिंग द कंपनी सेक्रेटरी CEO एंड द चेंजेस अमंगस्ट देम। तो एग्जिस्टिंग कंपनी है, मैंने ऐसी एक उठाया अपनी मर्जी से, CIN नंबर डाल दिया DLF का और प्रीफिल किया तो DLF के पर्टिकुलर्स आ गए, DLF Limited। और उसके बाद पूछ रहे हैं कितने लोगों के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, तो मैंने कहा तीन लोगों के लिए फिलअप कर रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स वगैरह के लिए, तो नीचे तीन स्पेसेस बनकर आ गई, नीचे जो नंबर वहां फीड करते हैं उतनी स्पेसेस आ जाती हैं। तो फिर डायरेक्टर का DIN नंबर बताइए क्या है, नेम फादर्स नेम प्रीफिल करेंगे तो नेम फादर्स नेम अपने आप आ जाता है। मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट है यहां पर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं और डेजिग्नेशन बताइए, डेजिग्नेशन क्या है, तो डेजिग्नेशन पे जाकर क्लिक करता हूं तो वो स्क्रॉल बार निकल आता है, और स्क्रॉल बार में प्रेसिडेंट तो नहीं है कहीं, डायरेक्टर है, एमडी है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर है, एडिशनल डायरेक्टर है, डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी है, नॉमिनी डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है, तो डेजिग्नेशंस आर वेरी क्लियर, हाँ, इन्हीं में से चूज द डेजिग्नेशन, क्लियर है ना, डायरेक्टर एमडी ऑल्टरनेट डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी नॉमिनी डायरेक्टर एंड द होल टाइम डायरेक्टर। तो अगर प्रेसिडेंट नाम दिया है लेकिन हम चुन क्या रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, तो यहां तो फॉर्म में तो बताना ही पड़ेगा ना कि क्या चीज है, ही इज नॉट प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट नाम की तो कोई चीज कंपनी लॉ में वैसी ही नहीं है। तो बाय वट एवर नेम कॉल्ड, वेल सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट जिसके हाथ में है एमडी है, बाकी फुल डिटेल ऑफ एमडी इन सेक्शन 196 इन द यूनिट 7 लास्ट में आएगी बहुत ज्यादा डिटेल में। अभी फिलहाल इसके नीचे डेफिनेशन में जो एक छोटी सी चीज और लिखी है वो ध्यान से पढ़ लीजिएगा, नीचे कह रहे हैं कि पांच पावर्स ऐसी हैं जिनको हम बोलते हैं रूटीन पावर्स, नीचे जो पावर्स दी गई हैं पांच पावर्स ऐसी हैं जिनको हम बोलते हैं रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, और ये पांच पावर्स अगर किसी डायरेक्टर के हाथ में दे दो तो वो एमडी नहीं बन जाता, वो एमडी नहीं माना जाता,
क्योंकि ये पांच पावर्स सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट नहीं है. ये पांच पावर्स क्या हैं? फाइव एडमिनिस्ट्रेटिव रूटीन पावर्स हैं. अगर किसी डायरेक्टर के हाथ में ये पांचों पावर दे दोगे तो वो डायरेक्टर एमडी नहीं माना जाएगा, वो डायरेक्टर डायरेक्टर ही रहेगा, वो एमडी नहीं बनेगा. और ये पांच रूटीन पावर्स है. क्या रूटीन पावर्स है? नंबर वन, कंपनी की कॉमन सील, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पे लगाना. यू नो दैट कॉमन सील वी टॉक्ड इन द वेरी बिगनिंग. अब तो कॉमन सील ऑप्शनल है, कंपनी मे हैव, कंपनी मे नॉट हैव. नंबर टू, टू ड्रॉ एंड एंडोर्स द चेक, कंपनी के चेक्स के ऊपर साइन करना, चेक बुक के ऊपर साइन करना. नंबर थ्री, दैट इज एंडोर्स द प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स करना. नंबर फोर, सर्टिफिकेट ऑफ शेयर, शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर साइन करना. नंबर फाइव, शेयर ट्रांसफर्स जब आते हैं तो उसको विल अप्रूव करना, रजिस्टर करना. सेलर बायर फॉर्म SH4, सिक्योरिटी ट्रांसफर डीड फॉर्म SH4. सिक्योरिटी ट्रांसफर डीड में सेलर बायर का साइन होकर आया कंपनी के पास, और वेल ऑब्वियसली वो शेयर सर्टिफिकेट की बैक साइड पे जाकर बायर कॉलम में बायर का नाम लिखकर और उसका फोलियो नंबर डेट लिखकर साइन करना और स्टैंप लगाना. ये सब क्या है? रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स. और किसी डायरेक्टर के हाथ में ये पांचों पावर दे भी दी जाएंगी तो उसको एमडी नहीं माना जाएगा, वो डायरेक्टर डायरेक्टर ही रहेगा. एंड दीज पावर्स, दीज फाइव पावर्स शेल नॉट बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन द सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट. तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये पांच, सवाल ये है कि अगर ये पांच सब्सटेंशियल पावर्स नहीं है तो फिर सब्सटेंशियल पावर है क्या? क्या है? हां जी, एनीवन? मतलब कोई एक दो नाम बता दीजिए क्या है कंपनी के लिए. वेल, मैनेजमेंट पॉलिसी डिसीजन लेना, मैनेजमेंट पॉलिसी डिसीजन लेना, स्ट्रैटेजिक पॉलिसी डिसीजन लेना, स्ट्रैटेजिक बिजनेस डिसीजन लेना, कंपनी के बिहाफ पर ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन करना, कंपनी के बिहाफ पर ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट नेगोशिएट करना, साइन करना, फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट साइन करना. ये है सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट. कोलैबोरेशन एग्रीमेंट साइन करना, ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन करना, देन आई विल से मैनेजमेंट पॉलिसी डिसीजन लेना. वो जिसके हाथ में है उसको कहेंगे, वो है एमडी. जो बिजनेस डिसीजन लेता है कि बिजनेस एक्सपैंड करना है, बिजनेस एक्सपेंशन डिसीजन लेना, बिजनेस डाइवर्सिफाई करना है, डाइवर्सिफिकेशन डिसीजन लेना, वो एमडी है जिसके पास ये सारी पावर्स हैं. ये जो पांच पावर्स हैं ये तो रूटीन पावर्स हैं. अब कुछ छोटे छोटे सवाल हैं. वेदर अ सिंगल कंपनी कैन हैव टू और मोर एमडीज, क्या एक कंपनी में दो एमडीज हो सकते हैं? वेदर वन कंपनी कैन हैव टू और मोर एमडीज, तो आंसर इज येस. लेकिन ये याद रखिएगा, फिर उनकी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से कर दीजिएगा कि आपस में ओवरलैप ना हो, ओवरलैप ना हो और एक दूसरे से लड़ाई ना लड़े. उस केस में सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट आपने दोनों को दे दी, लेकिन ऐसा कर सकते हैं कि इंडिया का जो हमारा ऑल ओवर इंडिया बिजनेस है उस बिजनेस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया, और एक को बोला एमडी नॉर्थ, एक को बोला एमडी साउथ. ऑल ओवर इंडिया हमारा बिजनेस है, टोटल टर्नओवर 40,000 करोड़, 45,000 करोड़, और हमने बिजनेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और ऊपर बोला नॉर्थ इंडिया 28,000 करोड़ एमडी वन और नीचे साउथ इंडिया 17,000 करोड़ एमडी टू और एमडी नॉर्थ एमडी साउथ. एक एमडी हमने अलग से अपॉइंट कर दिया एक्सपोर्ट्स बिजनेस के लिए और उसको बोला आप इंडिया में नहीं रहोगे, आपको हम लंदन में रहने के लिए बंगलो दे रहे हैं, आप वहीं रहोगे और यूरोप, यूरोपियन बिजनेस, अमेरिकन बिजनेस, उस सबको हैंडल करोगे, एक्सपैंड करोगे. हम यहां से गुड्स सप्लाई करेंगे, शिपमेंट करेंगे, लेकिन वहां पर कस्टमर्स बनाना और बिजनेस एक्सपैंड करना वो आपका काम है. एमडी एक्सपोर्ट्स, आप इंडिया आओगे ही नहीं, आप वहीं रहोगे और वहीं से आप बिजनेस एक्सपेंशन करोगे. सो नाउ दिस इज समथिंग, अ कंपनी में हैव टू और मोर एमडीज, अ कंपनी में हैव, और बोलने के लिए बोल देते हैं कंपनी में दो एमडी है तो एक मेन एमडी है और एक ज्वाइंट एमडी है. कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसा बोल देते हैं, एक मेन एमडी है और एक ज्वाइंट एमडी है. और लेकिन पावर्स इस तरीके से बाइफर्केट कर दी जाती हैं कि एक दूसरे के साथ ओवरलैप ना हो. तो कैन वन सिंगल कंपनी हैव टू और मोर एमडीज, आंसर इज यस. देन वेदर अ होल टाइम डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड एज एमडी, यस और नो? क्या एक होल टाइम डायरेक्टर को एमडी अपॉइंट कर सकते हैं? और मैं कहूंगा होना ही चाहिए. जो अपना पूरा टाइम कंपनी को दे रहा है उसी को ही एमडी अपॉइंट करना चाहिए. देन वेदर अ पार्ट टाइम डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड एज एमडी, क्या एक पार्ट टाइम डायरेक्टर को एमडी अपॉइंट कर सकते हैं? हाँ जी, क्या एक पार्ट टाइम डायरेक्टर को एमडी अपॉइंट कर सकते हैं? आंसर इज नो. और क्यों नो? अगर मैं डेफिनेशन में, वो सर अपना पूरा टाइम नहीं दे पाएगा इसलिए नहीं, लीगली बात करें, अगर मैं वापस जाऊं डेफिनेशन में, मैनेजिंग डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर, तो डायरेक्टर का मतलब कौन, होल टाइम या पार्ट टाइम या एनी डायरेक्टर?
अगर मैं डेफिनेशन में वापस जाऊं तो एमडी मींस आ डायरेक्टर हु इज गिवन सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसको सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट दी है वो एमडी है. तो एमडी मींस आ डायरेक्टर, इसको पढ़कर तो लगता है कि होल टाइम भी हो सकता है, पार्ट टाइम भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं. डायरेक्टर होना चाहिए, होल टाइम हो या पार्ट टाइम हो. लेकिन लेकिन किंतु परंतु प्रॉब्लम है इसमें, पार्ट टाइम नहीं हो सकता. और यहां मना नहीं है, सेक्शन 2 क्लॉज 54 में एमडी की डेफिनेशन में मना नहीं है, लेकिन कहीं और मना है, फॉर्म डीआईआर 12 में मना है. फॉर्म डीआईआर 12 में क्लियर कट लिखा हुआ है, एमडी शैल बी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. और एग्जीक्यूटिव का मतलब, एग्जीक्यूटिव मींस होल टाइम डायरेक्टर. फॉर्म डीआईआर 12 में क्लियर कट लिखा हुआ है दैट एमडी हैज टू बी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एंड एग्जीक्यूटिव मींस होल टाइम डायरेक्टर. तो एमडी कैन नॉट बी पार्ट टाइम डायरेक्टर, पार्ट टाइम डायरेक्टर कैन नॉट बी एमडी, इट हैज टू बी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. फॉर्म में आपको ऑप्शन, अगर आपने एमडी चुनी है ना यहां ऊपर, इट्स वेरी क्लियर, ये फॉर्म में वापस लेकर आ रहा हूं, ऊपर क्या ऑप्शन चुनी है, एमडी. नीचे आपसे पूछ रहे हैं स्टेटस बताओ, चेयरमैन है या नहीं है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या नहीं है. अब ऊपर तो आपने एमडी चुन लिया, यहां पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुनेंगे तो मतलब यहां टिक लगा हुआ नहीं आता, क्रॉस लगा हुआ था, क्रॉस का मतलब आपने ऑप्शन चूज कर लिए. अगर मैं यहां चुनना चाहता हूं नॉन एग्जीक्यूटिव, तो एरर रिपोर्ट आ जाती है. फॉर्म कहता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैन नॉट बी सिलेक्टेड इफ डेजिग्नेशन इज होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर. तो नॉन एग्जीक्यूटिव आप सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे. आई रिपीट दैट, हमने ऊपर डेजिग्नेशन क्या चुनी है, मैनेजिंग डायरेक्टर, और नीचे में क्या चुन रहा हूं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. तो क्या बोलते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैन नॉट बी सिलेक्टेड इफ द डेजिग्नेशन सिलेक्टेड अबव इज होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर. तो दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. तो एमडी हैज टू बी व्हाट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. एमडी कैन बी चेयरमैन ऑल्सो, अगर वो चेयरमैन भी है और एमडी भी है तो हम कहेंगे सीएमडी. सीएमडी मतलब चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, तो फिर स्टेटस हो जाएगा सीएमडी. तो एमडी के साथ हमेशा क्या चुनना है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. नॉन एग्जीक्यूटिव चुनना अलाउड नहीं है. अब ये बातें तो मैं कहूंगा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के मॉड्यूल में भी नहीं बताई हुई है, होनी चाहिए वैसे कायदे से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आईसीएसआई मॉडल में भी नहीं बताई गई है. तो एमडी जब भी चुनते हैं तो अब वही दो सवाल हैं फिर से हमारे पास, वेदर अ होल टाइम डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड एज एमडी, आंसर इज यस, और वेदर अ पार्ट टाइम डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड एज एमडी, आंसर इज नो. और कहां मना है, डीआर 12 में मना है कि आपने अगर एमडी का डेजिग्नेशन चूज किया है तो आप नीचे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वाली ऑप्शन तो चूज कर ही नहीं सकते, आपको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वाली ऑप्शन ही चूज करनी पड़ेगी. तो इट हैज टू बी अ होल टाइम डायरेक्टर. आगे बढ़ते हैं, वेदर अ रोटेशनल डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड एज एमडी. हाँ जी, किसी को कुछ कहना है, पूछना है, मोस्ट वेलकम. एनी क्वेश्चन, समझ में आया क्या समझाया ये, क्योंकि ये पॉइंट बहुतों की समझ में नहीं आता और बाद में क्लास खत्म होने के बाद सर वो क्या था, सर कुछ समझ में नहीं आया. समझ में आ गया पक्का, एमडी के फॉर्म में आप क्या चुनेंगे, जब आप फॉर्म में एमडी लिखेंगे तो नीचे क्या चुनेंगे, एग्जीक्यूटिव, एंड एग्जीक्यूटिव मींस होल टाइम. तो एज होल टाइम डायरेक्टर भी टेन ईयर क्या है, 5 साल, एज एमडी भी टेन ईयर क्या है, 5 साल, मैक्सिमम 5 ईयर्स. वेदर आर रोटेशनल डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड एज एमडी, क्या एक रोटेशनल डायरेक्टर को एमडी अपॉइंट कर सकते हैं, यस और नो, यस. Whether a non-rotational director can be appointed as MD. So answer is once again, yes, yes. Director होना चाहिए, चाहे rotational हो चाहे non-rotational हो. लेकिन एक rotational director में ना एक दिक्कत आएगी छोटी सी. क्या छोटी सी दिक्कत आएगी, अगर आपने rotational director को MD बनाया और MD बनाया 5 साल के लिए, और जब MD बनाया उसके resolution में लिखा कि it is valid for 5 years, 5 साल के लिए appointed है. अभी बाद में लेकिन रोटेशनल डायरेक्टर में पता चला उसका टेन्योर था वन थर्ड में जाना था उसको, तो निकल गया वन थर्ड में, और 3 साल में ही पता चला उसका टेन्योर खत्म हो गया एज रोटेशनल डायरेक्टर.
तीन साल में, थर्ड ईयर में वो रोटेशन में रिटायर हो गया, अब वो डायरेक्टर ही नहीं रहा। एमडी अपॉइंट किया था तो रेजोल्यूशन में लिखा था ही इज अपॉइंटेड फॉर 5 ईयर्स, रोटेशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया तो रेजोल्यूशन में लिखा ही इज रोटेशनल डायरेक्टर बट अपॉइंटेड ओनली फॉर 3 ईयर्स, और 3 ईयर्स लिखते नहीं है उसमें, 3 ईयर्स लिखते नहीं है, लेकिन वन थर्ड में वो थर्ड ईयर तक नंबर आ ही जाता है। तो अब वो डायरेक्टर ही नहीं रहेगा, जब वो डायरेक्टर ही नहीं रहेगा तो, हाँ जी, जब वो डायरेक्टर ही नहीं रहेगा तो एमडी भी नहीं रहेगा, एमडी शिप खत्म। अच्छा फिर क्या करते हैं हम, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये तो क्लियर है ना, जब डायरेक्टर ही नहीं रहेगा तो एमडी शिप खत्म। हम सेम एनुअल जनरल मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में रिटायर होता है वन थर्ड में, सेम एजीएम में हम उसको वापस रीअपॉइंट करते हैं दोबारा रोटेशनल डायरेक्टर फॉर नेक्स्ट टेन्योर। तो एमडीशिप के जो बचे हुए 2 साल हैं वो चलती रहेगी एमडीशिप, या बीच में हम कहें एक घंटे का गैप आ गया, ही फर्स्ट रिटायर्ड इन द एजीएम और 1 घंटे के बाद वेल ही इज वंस अगेन अपॉइंटेड एज रोटेशनल डायरेक्टर, लेकिन बीच में 1 घंटे का गैप आ गया जब वो कंपनी में डायरेक्टर नहीं था, तो एमडीशिप खत्म तो खत्म, और 1 घंटे के गैप के बाद हमने उसको एजीएम में दोबारा रोटेशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया, तो अब सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट तो नहीं है। अगर दोबारा एमडी बनाना है तो दोबारा से रेजोल्यूशन पास करो, एमडी बनाओ, दोबारा से सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट दो, या पहले वाला टेन्योर अभी 2 साल का बाकी है वो चलता रहेगा। हाँ जी, या जब हम कह रहे हैं कि एक बार खत्म तो खत्म, रोटेशनल डायरेक्टर भी मतलब एज रोटेशनल डायरेक्टर रिटायर हो गया, डायरेक्टरशिप भी खत्म हो गई, एमडीशिप भी खत्म हो गई, एक बार तो खत्म हो ही गया। 1 घंटे के गैप के बाद सेम एनुअल जनरल मीटिंग में, जिस एजीएम में वो एज रोटेशनल डायरेक्टर रिटायर हुआ है, सेम एजीएम में उसको फिर से अपॉइंट कर दिया एज रोटेशनल डायरेक्टर, लेकिन गैप आया बीच में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, कुछ भी गैप पकड़ लो, बीच में 2-3 घंटे का गैप आया, तो पहले वाला टेन्योर चलता रहेगा 2 साल बैलेंस टेन्योर, या दोबारा से अपॉइंट करना पड़ेगा। कितने लोग मानते हैं दोबारा से अपॉइंट करना पड़ेगा? अब बीच में 2-3 घंटे का गैप आ गया तो आ गया, दैट इज बिग बिग मेजोरिटी। कितने लोग कहते हैं वो पहले वाला टेन्योर का 2 साल जो बैलेंस है वो चलता रहेगा? तो आई कैन सी नियर अबाउट 10 हैंड्स कमिंग अप, 10 लोग मानते हैं कि वो पहले वाला टेन्योर चलता रहेगा। ये 10 लोग अभी सीधे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से उठकर यहां आए हैं, एमसी का सर्कुलर है कि बैलेंस टेन्योर का जो 2 साल है वो चलता रहेगा, और आपको दोबारा उसको एमडी बनाने की जरूरत नहीं है, वो पहले वाला जो रेजोल्यूशन था ना एमडी वाला 5 साल वाला, उसमें से 3 साल जा चुके हैं, कोई बात नहीं, बैलेंस 2 ईयर्स ना चलता रहेगा, प्रोवाइडेड कि आपने उसको सेम एजीएम में दोबारा से डायरेक्टर बनाया है। अब ये सारी बातें आगे बुक में लिखी हुई हैं, ये सारी बातें आगे नोट्स में लिखी हुई हैं, यहां नहीं लिखी मैंने डेफिनेशंस में जानबूझकर, लेकिन आगे डिटेल में मेंशन है, तो आई एम नॉट गोइंग इन दैट क्लैरिफिकेशन। अभी वो क्लैरिफिकेशन मैं डिक्टेट नहीं करने वाला हूं आपको, लेकिन प्रिज्यूम करके चलिए दैट इज देयर। क्वेश्चन नंबर 8, समथिंग इंपॉर्टेंट कमिंग अप इन द क्वेश्चन नंबर 8, एंड दैट इज, वेल वी आर सेइंग वेदर अ परमानेंट डायरेक्टर फॉर लाइफ कैन बी अपॉइंटेड एज एमडी, वेदर अ परमानेंट डायरेक्टर फॉर लाइफ कैन ही बी अपॉइंटेड एज एमडी, क्या वो एमडी अपॉइंट हो सकता है? आंसर इज, हाँ जी, यस और नो? नो, क्यों? एमडी का फॉर्म DI-12 फिलअप करेंगे तो कहेगा चूज द ऑप्शन एग्जीक्यूटिव या नॉन एग्जीक्यूटिव, तो क्या चुनेंगे? एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव का मतलब होल टाइम, होल टाइम का मतलब मैक्सिमम टेन्योर 5 साल, तो ओनली अ होल टाइम डायरेक्टर वेल हु इज अपॉइंटेड फॉर 5 ईयर्स फिक्स्ड टेन्योर कैन बी अपॉइंटेड एज एमडी। अ परमानेंट डायरेक्टर अपॉइंटेड फॉर लाइफ कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एमडी, क्योंकि फॉर्म DI-12 में एमडी चूज करते ही नीचे आप वो नॉन एग्जीक्यूटिव तो क्लिक कर ही नहीं सकते, नॉन एग्जीक्यूटिव तो वो लेगा ही नहीं। हाँ जी, क्वेश्चन थोड़ा सा आपका गलत है, मतलब आप, और आपको ये भी नहीं पता कि आप गलत पूछ रहे हो, और मैं समझा भी नहीं पाऊंगा कि गलत क्यों है, तो 152 के लिए इंतजार करना पड़ेगा आपको। पहली बात, आप क्वेश्चन गलत पूछ रहे हो, दूसरी बात आपको ये भी नहीं पता कि गलत क्यों है, तीसरी बात मैं समझा भी नहीं सकता कि गलत क्यों है, कि क्वेश्चन गलत है और गलत क्यों है क्यों? और प्रॉब्लम यही है कि अभी सिर्फ ना इंट्रोडक्शन चल रहा है, 152 पढ़ा नहीं अभी तक, 152 सबसेक्शन 6 को इनडेप्थ देखा नहीं अभी तक, वो जब टाइम आएगा तो आप 152 के क्वेश्चन पूछना तो मैं 152 में आंसर्स दूंगा,
वेदरा परमानेंट डायरेक्टर द नेक्स्ट वन. तो ये हो गया आपका भी. हाँ, वेदरा परमानेंट डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड एज एमडी. तो आंसर इज नो. और सिंपल रीजन है फॉर्म DIR 12 में लिखा है ओनली द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और द होल टाइम डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड एज एमडी. और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर खुद ही परमानेंट नहीं होता. एंड द कंपनी शैल नॉट वेल अ कंपनी शैल नॉट अपॉइंट और रीअपॉइंट अ पर्सन एज होल टाइम डायरेक्टर और फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 5 years. उसका अपना टेन्योर ही 5 साल होता है. एंड हेंस द नॉन एग्जीक्यूटिव परमानेंट डायरेक्टर अपॉइंटेड फॉर लाइफ कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एमडी. ओनली एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंटेड फॉर 5 years कैन बी अपॉइंटेड एज एमडी. क्लियर है? लेकिन यहां पर वो क्लैरिफाई करना जरूरी है. अभी थोड़ी देर पहले सवाल उठ गया था मुकेश अंबानी. हाँ जी, मुकेश अंबानी जब ओल्ड कंपनीज एक्ट था तब अपॉइंट हुए थे. और आज की तारीख में अगर मैं कहता हूं कि आज की तारीख में आकाश अंबानी या ईशा अंबानी या अनंत अंबानी या वेल कोई भी अंबानी फैमिली से आज की तारीख में वो कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता है तो टेन्योर कितना होगा? 5 years. आज की तारीख में 2018 में कोई अपॉइंट होना चाहता है तो टेन्योर कितना होगा? 5 years. और एज एमडी भी अपॉइंट होना चाहता है तो टेन्योर इज 5 years. 5 साल के बाद होल टाइम डायरेक्टरशिप भी खत्म, 5 साल के बाद एमडीशिप भी खत्म. हाँ, ये जरूर है कि जिस दिन 5 साल पूरे हो रहे हैं सेम डे आप उनको रीअपॉइंट कर दो एज होल टाइम डायरेक्टर और वेल यू कैन से मैनेजिंग डायरेक्टर. बट एज होल टाइम डायरेक्टर दे कैन नॉट बी अपॉइंटेड फॉर लाइफ. दे कैन नॉट बी अपॉइंटेड फॉर लाइफ. लेकिन एक बार रिपीट कर दूं वन लास्ट टाइम, ओल्ड एक्ट 1956 जब चल रहा था तब होल टाइम डायरेक्टर के टेन्योर के लिए कोई लिमिट नहीं थी. और जब कोई लिमिट नहीं थी तब मुकेश अंबानी अपॉइंट हो गए थे कंपनीज एक्ट 1956 के दिनों में एज होल टाइम डायरेक्टर एज परमानेंट डायरेक्टर फॉर लाइफ, क्योंकि तब WTD का कोई मैक्सिमम टेन्योर नहीं था. तो होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंटेड फॉर लाइफ टाइम, परमानेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो गए. लेकिन मुकेश अंबानी भी तब मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे फॉर 5 years, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर का टेन्योर तब भी 5 साल था. अब मुकेश अंबानी की लाइफ में क्या चल रहा है अभी? एज होल टाइम डायरेक्टर ही इज परमानेंट डायरेक्टर फॉर लाइफ, क्योंकि वो तब से चला आ रहा है पुराना वाला सिस्टम. और एज एमडी ही इज ओनली फॉर 5 years. 5 साल जब पूरे होते होंगे तब क्या होता है? एमडीशिप खत्म, लेकिन डायरेक्टरशिप कॉन्टिन्यूस. 5 साल जब पूरे होते तो एमडीशिप खत्म हो जाती है लेकिन डायरेक्टरशिप कॉन्टिन्यूस. और उसके बाद फिर जिस दिन 5 साल पूरे होते हैं फिर से रीअपॉइंटमेंट फॉर नेक्स्ट 5 years एज एमडी. तो मुकेश अंबानी साहब हर 5 साल में एज एमडी रीअपॉइंट होते हैं. अगर कभी वो बोलेंगे अब मेरा बस मन नहीं है अब, तो एज एमडी जब टेन्योर खत्म हो गया 5 साल तो रीअपॉइंट मत हो. लेकिन एज डायरेक्टर, एज होल टाइम डायरेक्टर ही इज कॉन्टिन्यूइंग टिल डेथ, लाइफ टाइम अपॉइंटमेंट. तो वो तो चल ही रहा है, दैट इज एयर. लेकिन वो वाले सिस्टम बन सकते थे, वो वाले सिस्टम बन जाते थे कब? ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 में. आज की तारीख में कोई भी होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट होगा मैक्सिमम टेन्योर 5 years. और हाँ, कोई भी पार्ट टाइम डायरेक्टर अपॉइंट होता है और कहता है मैं तो लाइफ टाइम अपॉइंट होना चाहता हूं तो वो अलाउड है. लेकिन फिर वो पार्ट टाइम डायरेक्टर है तो फिर वो एमडी अपॉइंट नहीं हो सकता. क्लियर है? देन गोइंग ऑन फर्दर, वेदर अ पर्सन कैन, नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर अ पर्सन कैन गेट अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ टू कंपनीज साइमल्टेनियसली. क्या एक आदमी दो कंपनीज में एमडी बन सकता है साइमल्टेनियसली? और लॉ मेकर ने आंसर दिया है यस, अ पर्सन कैन गेट अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ टू कंपनीज साइमल्टेनियसली. एक आदमी दो कंपनीज में एमडी बन सकता है. इन सेक्शन 203 सबसेक्शन 3 कहते हैं यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर लीजिए विद द 100% मेजोरिटी, विद द 100% मेजोरिटी इन द सेकेंड कंपनी. फर्स्ट कंपनी में नहीं, फर्स्ट कंपनी में तो ऑलरेडी एमडी है. सेकेंड कंपनी के अंदर जहां पर अपॉइंट करना चाहते हैं, सेकेंड कंपनी जो उसको अपने यहां एमडी अपॉइंट करना चाहती है, बोर्ड मीटिंग में बैठे और यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर लें विद द 100% मेजोरिटी. कोई नेगेटिव वोट नहीं आना चाहिए. तो सेकेंड कंपनी में 10 डायरेक्टर हैं, 10 में से 7 बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट हैं, 7, 3 एबसेंट हैं. जो एबसेंट हैं इग्नोर करो, जो 7 आए हैं 7ों में 7ों हां कर रहे हैं, हां बोल रहे हैं रेजोल्यूशन पास. जो 3 एबसेंट हैं उनको इग्नोर कर दिया जाए, उनको इग्नोर कर दिया जाए. जो 7 प्रेजेंट हैं वो हां कर रहे हैं रेजोल्यूशन पास. 7 में से 6 ने हां की, 1 ने नेगेटिव वोट दे दिया तो फेल. 7 में से 6 ने हां की, 1 चुप है, फेलियर. 7ों ने हां कर दी
unanimous resolution is passed in the second company. All seven give the vote, all seven who are present give the vote in favor, so resolution is passed. Ab ek sawal yahan fir khada ho jata hai. Well, when you are appointing a person as MD of two companies simultaneously, ek aadmi ko agar aap do companies mein MD banaoge to wo kya dono mein whole time de payega? Haan ji, jab aapko usko do companies mein appoint kar doge to kya wo dono mein kahega ki main whole time hu? हाँ जी, क्या वो दोनों कंपनीज में पूरा पूरा टाइम दे पाएगा? अब एक में होल टाइम देगा तो दूसरे में तो पार्ट टाइम ही होगा, और पार्ट टाइम अलाउड नहीं है. और लॉ मेकर खुद कह रहा है कि वन पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ टू कंपनी साइमल्टेनियसली. या ऐसा करेगा कि एक कंपनी में मॉर्निंग शिफ्ट में काम करता हूं और दैट इज 8 घंटे की मॉर्निंग शिफ्ट है, और दूसरी कंपनी में 8 घंटे की इवनिंग शिफ्ट है. 16 घंटे तो काम करता हूं, फिर घर जाता हूं, फिर 8 घंटे सोता हूं, फिर आ जाता हूं. 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना चलेगा, उसके बाद अनसाउंड माइंड. हाँ जी, सो कैन अ पर्सन बिकम एमडी ऑफ टू कंपनी साइमल्टेनियसली? यस. और दोनों में होल टाइम दे रहा है, पार्ट टाइम तो अलाउड है ही नहीं. फॉर्म में तो क्या लिखेंगे? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. नॉन एग्जीक्यूटिव तो चुन ही नहीं सकते हैं. अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि लाला जी ने दो कंपनीज बनाई, ए लिमिटेड बी लिमिटेड, और लाला जी का जो बंगलो है, जो घर है, उसी में ग्राउंड फ्लोर ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड का रजिस्टर ऑफिस, और बड़ा सा बंगलो है, 1000 square yards बड़ा सा बंगलो है, तो ग्राउंड फ्लोर ए लिमिटेड का ऑफिस है, फर्स्ट फ्लोर पे बी लिमिटेड का ऑफिस है, और ऊपर सेकेंड फ्लोर पे लाला लाली एंड फैमिली ऑन द सेकेंड फ्लोर. और ऑफिस के लिए कहीं दूर नहीं जाना होता, वहीं उतर के नीचे बस लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर तक जाना होता है, अपना चैम्बर बना रखा है, उसी चैम्बर में बैठना होता है, और ग्राउंड फ्लोर में बैठकर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों कंपनी इसको कंट्रोल कर लेते हैं, ए लिमिटेड बी लिमिटेड दोनों को एक साथ. कैन अ पर्सन कंट्रोल द टू कंपनी साइमल्टेनियसली? बैठे वो एक जगह है लेकिन कंट्रोल दोनों को कर रहे हैं, चलेगा ये? तो चलो मैं सिचुएशन बना रहा हूं, मैं कहता हूं अलग अलग बिल्डिंग में भी है, आसपास है, कैन ही इजिली कंट्रोल? एक बिल्डिंग है और दूसरी एडजॉइनिंग बिल्डिंग है, और वहां से भी किसी को बुलाना है तो अपना लैपटॉप लेते आना, कुछ डॉक्यूमेंट्स टैली करने हैं. और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कंपनीज का, ऐसा हो सकता है कि दोनों कंपनीज का बिजनेस आपस में को रिलेटेड हो, एक कंपनी रॉ मेटेरियल सप्लाई कर रही है, दूसरी कंपनी उस रॉ मेटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रही है, या एक कंपनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है, पावर सप्लाई कर रही है, दूसरी कंपनी उस पावर को यूज कर रही है मैन्युफैक्चरिंग में, तो बिजनेस भी को रिलेटेड है, कर सकते हैं. वन पर्सन कंट्रोलिंग द टू कंपनीज वाइल सिटिंग एट वन प्लेस, फिर क्या बोले? अब वो दोनों कंपनीज में फुल टाइम है और वो दोनों कंपनीज का बिजनेस पूरा दिन संभालता है, दिन में 12 घंटे काम करता है, 11-12 घंटे काम करता है, लेकिन मतलब ऐसा होता है कि अभी एक कंपनी का बिजनेस देख रहा है और फिर 10 मिनट बाद दूसरी कंपनी का बिजनेस देख रहा है. कैन ही डू दैट? क्या एक आदमी एक टाइम पे, मतलब एक दिमाग एक है लेकिन क्या दो थॉट प्रोसेस चलते हैं? यस और नो? ब्रेक कब होगा? चल रहा है दिमाग में पीछे? चल रहा है ना, एक आगे चल रहा है, एक पीछे चल रहा है, तो होता है ना एक टाइम पे. कितने लोगों के दिमाग में एक टाइम पे दो थॉट प्रोसेस चलते हैं? 7-7 सातों सब्जेक्ट्स के प्रोसेस चल रहे होते हैं. कितने लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि एक टाइम पे खुद को भी रियलाइज होता है कि हम एक टाइम पे तीन थॉट्स कैरी कर रहे हैं और तीन तीन चीजें एक टाइम पे सोच रहे हैं? एक तो ये जो सामने चल रहा है ये सोच रहे हैं, दूसरा ब्रेक कब होगा ये सोच रहे हैं, और तीसरा वो शाम को क्या करना है वो भी चल रहा होता है. तो मतलब एक टाइम पे तीन तीन, मतलब मैं तो कहूंगा एक आदमी दो क्यों, फिर एक आदमी तीन कंपनीज भी संभाल सकता है. लेकिन लॉ मेकर कहता है नहीं भाई, एक आदमी तीन कंपनीज में एमडी नहीं हो सकता. अभी whether a person can get appointed as MD of three or more companies simultaneously with CG approval. क्या एक आदमी एक टाइम पे तीन कंपनीज का MD बन सकता है with CG approval or something? तो आज की तारीख में आंसर इज नो, लेकिन किसी जमाने में ओल्ड कंपनीज एक्ट में द आंसर वॉज येस. आज की तारीख में आंसर नो है, CG हैज नो पावर टू गिव द अप्रूवल फॉर थर्ड कंपनी इन दिस न्यू एक्ट. नए एक्ट में CG के पास पावर नहीं है. अब यहां दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट, लिसन टू दैट वेरी केयरफुली. ओल्ड कंपनीज एक्ट में सेक्शन था, सेक्शन 316 सबसेक्शन 4 ऑफ द ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956, जिसमें लिखा था
If a person wants to become MD of third company also, take the CG approval, and CG has the power to give the approval and become the MD of third company also. Old Companies Act में provision था, फिर ये provision delete हो गया, और New Companies Act में Old Companies Act से बहुत कुछ copy-paste हुआ, लेकिन ये copy-paste नहीं हुआ. अब जब ये copy-paste नहीं हुआ, तो इसको interpret करने के ना दो तरीके निकलाए, इसकी दो interpretations निकलाई. अब आप बताओगे कि एक सही है और एक गलत है, कौन सी सही है, कौन सी गलत है? और ऑल ओवर इंडिया क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज ही अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से. कुछ कंपनी सेक्रेटरीज ने कहा कि सीजी के पास पहले पावर थी, थर्ड कंपनी में अप्रूवल दे देते थे थर्ड कंपनी में अपॉइंट करने के लिए, अब वो पावर एबॉलिश हो गई है, तो अब एमडी थर्ड कंपनी में एमडी अपॉइंट नहीं हो सकता. कुछ लोगों ने ये इंटरप्रेट किया. कुछ लोगों ने कहा कि चलो पहले तो ना सीजी का अप्रूवल लेना पड़ता था, पहले तो एक हर्डल थी कि सीजी का अप्रूवल लेना पड़ता था थर्ड कंपनी में अपॉइंट होने के लिए. अभी तो वो हर्डल भी हट गई, थर्ड कंपनी में अपॉइंट होने के लिए अब तो वो हर्डल भी हट गई. अब तो हम फ्री हैं, थर्ड कंपनी में फ्रीली अपॉइंट हो जाओ और सीजी अप्रूवल लेने की जरूरत भी नहीं है, नाउ वी आर फ्री. कुछ लोगों ने कहा, मतलब अब दोनों इंटरप्रिटेशन है. फर्स्ट इंटरप्रिटेशन क्या थी कि पहले एक फैसिलिटी थी, ओल्ड कंपनीज एक्ट में एक फैसिलिटी थी कि थर्ड कंपनी में अपॉइंट हो सकते हैं विद सीजी अप्रूवल, और वो फैसिलिटी खत्म हो गई है, तो अब थर्ड कंपनी में अपॉइंट हो ही नहीं सकते. एक तो इंटरप्रिटेशन ये है, और दूसरी इंटरप्रिटेशन क्या है कि पहले तो ओल्ड एक्ट में हर्डल हुआ करती थी, थर्ड कंपनी में अपॉइंट होने के लिए सीजी का अप्रूवल चाहिए, अब तो वो हर्डल ही हट गई, और अगर हर्डल हट गई है तो अब तो थर्ड कंपनी में, फोर्थ कंपनी में, फिफ्थ कंपनी में जितना मर्जी अपॉइंट हो, नो सीजी अप्रूवल, फ्रीली अपॉइंट हो जाओ. तो फर्स्ट इंटरप्रिटेशन या सेकेंड इंटरप्रिटेशन, कितने लोग मानते हैं फर्स्ट, कितने लोग मानते हैं सेकंड, कितने लोग मानते हैं फर्स्ट कि फैसिलिटी थी खत्म हो गई है, नाउ बिग बिग नंबर ऑफ हैंड्स. कितने लोग मानते हैं सेकंड, वन हैंड. एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, इसलिए तो बहस का मुद्दा बन जाता है कहीं ना कहीं, कोई ना कोई वन टू हैंड्स कमिंग अप, दो लोग मान रहे हैं. तो मतलब थर्ड कंपनी, फोर्थ कंपनी, फिफ्थ कंपनी कितना भी अपॉइंट होते जाओ, ऐश करो, अब तो कोई अप्रूवल चाहिए नहीं. सेकेंड कंपनी के लिए यूनानिमस बोर्ड डिसीजन चाहिए और थर्ड कंपनी के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, ये बड़ा अजीब सा हो जाएगा. और सेकेंड कंपनी के लिए तो जब यहां हम पढ़ेंगे ना, बड़ा क्लियर कट लिखा है सेकेंड कंपनी के लिए. क्लियर कट क्या लिखा है कि पहले से सिर्फ एक कंपनी में हो. अब मेरा एक सवाल और है अभी इसके अंदर बिफोर द ब्रेक, और वो सवाल ये है कि ये जो आप क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हो स्क्रीन पे और ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, दोनों में फर्क क्या है? ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 9 में फर्क क्या है? क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 9 दोनों में डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन 3, एक कंपनी में दो एमडी हो सकते हैं या नहीं? यस. और क्वेश्चन नंबर 9, एक आदमी दो अलग अलग कंपनीज का एमडी हो सकता है या नहीं? आंसर तो दोनों में यस है, लेकिन क्वेश्चन उल्टे हैं एक दूसरे के, क्लियर है ना? क्वेश्चन एक दूसरे के उल्टे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 9. आंसर दोनों में यस है, लेकिन दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के अपोजिट हैं. एक कंपनी में दो एमडी हो सकते हैं या नहीं? यस. एक आदमी दो कंपनीज में एमडी हो सकता है या नहीं? आंसर इज वंस अगेन यस. तो वी आर टेकिंग अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, कमिंग बैक एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मैनेजर.
इन द होल कंपनीज एक्ट 2013 और बहुत लंबे समय से सबको इंतजार था कि ये चैप्टर कब शुरू होने वाला है और दो रीजन यहां बोलना चाहूंगा क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जामिनेशन वेटेज के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है ऑब्वियसली. न्यू सिलेबस में तो उन्होंने वो 40 मार्क्स अलग ही कर दिया, 40 नंबर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जनरल मीटिंग दैट इज इन द 40 मार्क्स. वो तो अपनी जगह इंपॉर्टेंस है ही है, नो डाउट्स अबाउट दिस. लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि एज कंपनी सेक्रेटरी जब आप ऑफिस में बैठेंगे आपका डायरेक्टली रिपोर्टिंग किसको है? रिपोर्टिंग टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. रोज आपका आना जाना मिलना जुलना किसके साथ है? विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. एज कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी आपको मे बी दिन में एक बार मे बी दिन में दो बार बुलाया जा रहा है कि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, उसका आंसर चाहिए. एंड मे बी मोर देन दैट. और अगर आप प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हैं तो भी वंस अगेन यू आर गिविंग योर लीगल एडवाइजेस टू होम, लीगल एडवाइजेस टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो मतलब हमारी जिंदगी में विल ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से डील करना है. और एक चीज सच है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपसे ये पूछते हैं कि मुझे शेयर कैपिटल के बारे में या मॉर्गेजेस के बारे में या प्रोस्पेक्टस के बारे में कुछ जानना है और आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कहते हैं कि सर आई विल टेल टिल टुमारो, कल तक मैं वेरीफाई कर लूं सारे लीगल प्रोविजंस और आपको करंट लीगल पोजीशन, आजकल अमेंडमेंट्स बहुत चलती रहती है, वो आई विल टेल टिल टुमारो, तो चल जाएगा 24 आवर्स में यू गिव द रिस्पॉन्स. बट व्हेन आई से कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपसे ये पूछते हैं कि मुझे मेरे बारे में कुछ जानना है कि मैं कितना लोन ले सकता हूं कंपनी से या मेरी कितनी रेमुनरेशन में कंपनी से ले सकता हूं, उसके लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो वो एक्सपेक्ट करता है डायरेक्टर की आप आंसर उस वक्त ऑन द स्पॉट बताएंगे. ये नहीं बोलेंगे कि मैं कल तक बताता हूं. तो जो कहेगा कल तक बताता हूं उसको कहेंगे फिर एक काम करो बाय बाय, किसी और को ही बताना जाकर. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए तो आई विल से दिस इज समथिंग विल, क्योंकि उनके अपने अपने से कनेक्टेड है, वो जानना चाह रहे हैं ऑन द स्पॉट. परफेक्शन के साथ आंसर चाहिए, ऑन द स्पॉट आंसर चाहिए, दैट इज रिक्वायर्ड रिगार्डिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. दैट इज वन थिंग. और एक चीज बताना चाहूंगा, जब मैंने सीएस किया था तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वॉज 100 मार्क्स सेपरेट पेपर, 100 नंबर का सेपरेट पेपर था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओनली. और 100 नंबर का पेपर होता था 100 मार्क्स होल कंपनीज एक्ट एक्सेप्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो 100-100 नंबर के दो पेपर हुआ करते थे इन द सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम. आई एम टेलिंग अबाउट दैट, मतलब लेवल ऑफ एक्सपर्टीज वॉज टू मच. और आई एम रियली थैंकफुल टू द ICSI दैट वे स्पीकिंग कि मेरे पास अगर वो जो कंपनी लॉ का एक्सपर्टीज है या कुछ है तो उसका रीजन ये भी था कि CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में भी 100 मार्क्स के दो पेपर थे, कंपनी लॉ वॉल्यूम 1 और CLP 1 CLP 2 बोला करते थे. प्रोफेशनल प्रोग्राम में भी CLP 1 CLP 2 करके दो पेपर थे. तो मतलब हमें कंपनी लॉ 400 नंबर के लिए पढ़ाया गया था. आजकल मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगती है ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब ऐसा लगता है कि दूसरी चीजों की वेटेज बढ़ती जा रही है और कंपनी लॉ को स्क्वीज करते जा रहे हैं. एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में एक पेपर कंपनी लॉ का है, सेटिंग ऑफ बिजनेस में कुछ पार्ट कंपनी लॉ है और फिर प्रोफेशनल प्रोग्राम में तो ढूंढना पड़ता है कि इस पेपर में ये थोड़ा सा कंपनी लॉ है, इस पेपर में ये थोड़ा सा कंपनी लॉ है. बट इन माई डेज कंपनी लॉ वॉज 400 मार्क्स, द एक्सपर्टीज वॉज टू मच. और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में एक लेवल की एक्सपर्टीज होती थी, नॉट रियली विल आई से द टॉप मोस्ट लेवल. लेकिन प्रोफेशनल प्रोग्राम में आने के बाद एज एम सिंह 100 नंबर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और 100 नंबर का होल कंपनीज एक्ट अदर देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो मैं मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने उस जमाने में सीएस किया तो ऑल ऑफ देम वर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट वन थिंग कि हमारे जैसा कंपनी लॉ किसी को नहीं आता है. आप लोगों के साथ मैं क्या मेहनत करता हूं कि आप लोगों को मैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में वो सब कुछ देने की कोशिश करता हूं जो मैंने प्रोफेशनल प्रोग्राम में गेन किया था. जो मैंने सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में गेन किया था वो ज्यादा हो जाता है मुझे नहीं मालूम. और इस चैप्टर में तो आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा हो गया, फ्लड आ गया, सुनामी आ गया. मतलब इस चैप्टर में तो लगेगा कि हम किसी सुनामी में फंस गए हैं और वेव्स इतनी ऊपर जा रही हैं कि क्या करें.